Hello to all my dear students. Hello to all my dear Kabutas. Welcome back to our platform that is Chemistry by Saloni Singh. And yes, Bachalo, we are doing 7 days challenge. This is your day number 6, and we are doing NCERT ka last organica chapter. क्वाइट बिग दैट इज योर एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर होपफुली बेटा आपने ये सेवन डेज चैलेंज को एकदम गीता की तरफ फॉलो किया है क्योंकि इसे जेन्युनली इसी तरीके से बनाया गया कि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो आप जेन्युनली सारे एनसीआरटी के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाएं सो प्लीज मेक श्योर इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम मेक श्योर टू गो थ्रू द होल प्ले लिस्ट एंड रिवाइज इट यूरिंग योर एग्जाम टाइम्स इट विल हेल्प यू अ लॉर्ड आई होप इट इज रियली रियली हेल्पफुल और वो तो हमारे बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे चलिए तो ऑन दैट पॉजिटिव नोट प्लीज़ बताना हाँ कि कितना यूज़फुल रहा है आपके लिए क्योंकि ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए ही की जा रही है तो मुझे ये जानकर बहुत खुशी मिलेगी कि भाई ये पूरी सीरीज़ आपको कितना बेनिफिट दे रही है ऑन दैट पॉजिटिव नोट चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन और हम क्या चाहते हैं थर्टी ऑन थर्टी स्कोर करना चाहते हैं और इसीलिए हम बहुत स्मार्टली स्टडी करेंगे तो स्मार्ट स्टडी का जो पहला मुद्दा होता है वो होता है बेटा कि स्मार्ट स्टडी करते वक्त हमेशा फ्लो चार्ट्स के थ्रू काम करने पर आप चीज़ों को किस टॉपिक को कितना टाइम देना है वो एनालाइज कर पाते हैं और क्योंकि ये चैप्टर लंबा है बेटा तो हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे चलिए तो शुरू करते हैं बेटा हमारा आज का सेशन ऑन अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर गो तो बेटा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर तीन फंक्शनल ग्रुप्स हमें कवरअप करने हैं यानी जाहिर सी बात है चैप्टर थोड़ा सा लंबा जाने वाला है स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट टॉपिक से दैट इज योर क्लासिफिकेशन एंड नोमन जिसके अंदर हम सारे नोमन uh, के पैटर्न्स चेक कर लेंगे अल्कोहल के एज वेल एज फिनॉल के फाइन और फिर नेचर ऑफ़ बॉन्ड भी देख लेंगे नेचर ऑफ़ बॉन्ड या फिर उनका स्ट्रक्चर कैसा है और अल्कोहल और फिनॉल के स्ट्रक्चर में उनके डाइपोल मोमेंट में क्या डिफरेंस है सेकेंड टॉपिक पे हम मूव करेंगे तो वी विल बी स्टडिंग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बेटा और अल्कोहल की प्रिपरेशन हम तीन मेजर कॉम्पोनेंट से करने वाले हैं कॉम्पोनेंट नंबर वन हम अल्कीन से करेंगे अल्कीन के अंदर भी दो मेथड है बेटा एक है एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन जिसका आपको मैकेनिज़्म भी करना है एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ये सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में किया जाता है बेटा मैकेनिज्म इसका इंपॉर्टेंट है और दूसरा है आपका हाइड्रोबोरेशन नेम रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेक्ट ये भी मैं बताऊंगी शॉर्ट में इस, इस फ्लो चार्ट को हम फिर से रेफर करेंगे और शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी इसमें ठीक है सेकेंड इज बेटा आप कार्बोनल कंपाउंड्स से भी अल्कोहल बना सकते हैं कार्बोनल कंपाउंड्स में कौन कौन आ गए तो आपके आर सी ओ एच आ गया आर सी एच ओ आर सी डबल बॉन्ड ओ आर एंड आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ आर डैश इन सब का क्या करना है बेटा आपको रिडक्शन करके क्या बनाना है अल्कोहल और तीसरा मेथड है बाय यूजिंग ग्रिगनार्ड रिएजेंट ग्रिगनाड रिएजेंट को भी हम इन सभी फंक्शनल ग्रुप्स के साथ यूज़ करेंगे और अल्कोहल प्रिपेयर करेंगे फाइन तो प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल हो गया इसी के साथ तीसरा मेथड है बेटा प्रेपरेशन ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलो है प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल ठीक है फिनॉल की प्रेपरेशन आपको क्यूमीन से करनी है जो कि मोस्ट आस्ट क्वेश्चन है नीट में बोर्ड्स में बहुत जगह पे पूछा गया है ठीक है देन बेंजीन सल्फोनिक एसिड करेक्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड यानी बेसिकली ये वाला टॉपिक आपका चार रिएक्शंस में कंप्लीट हो जाएगा बीडीसी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बीडीसी से भी आप प्रिपेयर करेंगे इसको बेटा ठीक है एंड लास्ट वन इज एंड लास्ट वन कौन सा था यस yes. याद आया बी डी सी क्यूमीन बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड लास्ट वन इज हेलो अरिन्स करेक्ट तो चार रिएक्शन में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हार्डली वी नीड टू इन्वेस्ट फाइव मिनट्स फॉर दिस टॉपिक स्मार्ट स्टडी करो ठीक है ये इसे बोलते हैं माइंड मैपिंग इसमें पाँच मिनट इस टॉपिक में बेटा आपके ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव मिनट्स जाएंगे ठीक है है ना और जो पहला टॉपिक है ये भी मान चून के पंद्रह मिनट ले लेगा कुछ भी बोलो ठीक है Uh, पर हम ट्राई करेंगे इसको टेन मिनट्स में कवर अप करने की ठीक है अच्छा फोर्थ टॉपिक पे आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड अगेन बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें दो प्रॉपर्टीज पे मेजरली फोकस करना है पहला आपका सॉल्युबिलिटी एंड दूसरा माई डियर स्टूडेंट्स आपका बॉइलिंग पॉइंट इट शुड नॉट कंज्यूम मोर देन फाइव टू सेवन मिनट्स करेक्ट ओके नाउ

ओ एच ग्रुप्स दोनों को इन्वॉल्व करती हुई कुछ रिएक्शंस होंगी ठीक है एंड ओ एच बॉन्ड क्लीवेज में बेटा दो ही चीज़ें हम पढ़ेंगे पहला तो एसिडिटी यू नो फिन एंड एल्कोहल्स किस तरह से एसिडिक हैं नेचर के अंदर एंड उनका एसिडिक प्रॉपर्टी कम्पेयर करेंगे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करेंगे एंड असाइलेशन रिएक्शन कैरी आउट करेंगे बस तीन ही रिएक्शन हैं ओएच ग्रुप के बॉन्ड क्लीवेज में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज में बेटा जो भी आपने हेलो अल्केन्स की प्रिपरेशन में किया था जैसे कि रिएक्शन विथ हेलोजन एसिड फिर पी एक्स थ्री और पी एक्स फाइव के साथ रिएक्शन और थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन ये ही सारी चीज़ें सी ओ में भी आ जाएंगी एन आर एन ओ एच में मेजरली एक रिएक्शन आएगा ऑक्सीडेशन और कुछ गिने चुने रिएक्शन आएंगे सो बेसिकली ऑल इन ऑल अगर मैं मैकेनिजम्स के साथ जाती हूँ तो थर्टी मिनट ऑन एन एवरेज आई कैन गो एंड फिनिश अप द फिफ्थ टॉपिक ओवर हियर ओके गॉट दिस वन क्लियर अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा रिएक्शंस ऑफ फिनॉल टॉपिक नंबर सिक्स दैट इज योर रिएक्शंस ऑफ फिनॉल अब फिनॉल की रिएक्शंस में थोड़ा सा लंबा टॉपिक थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करना है हमें रीमर टीमन रिएक्शन करना है आर रिएक्शन कोलबे रिएक्शन करना है बेटा कोलबे की बोलबे समझ रहो जो रेगुलर बच्चे उनको समझ में आ रहा होगा ठीक है एक ऑक्सीडेशन होगा और एक जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन होगा जिंक डस्ट के साथ फिनॉल का रिएक्शन यानी वन टू थ्री फोर फाइव रिएक्शंस अगेन इट शुड नॉट कंज्यूम मोर देन सेवन टू एट मिनट्स फाइन एंड लास्ट वी आर गोइंग टू टॉपिक नंबर सेवन दैट इज योर ईथर्स ईथर्स को ऑल इन ऑल मैंने एक टॉपिक कंसीडर किया है जिसके अंदर उसका सब कुछ हम कवर करेंगे नोमक्लेचर क्लासिफिकेशन Uh, उसका नेचर उसकी सॉलिबिलिटी यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज उसका प्रेपरेशन प्रेपरेशन में दो मेथड्स हैं विलियमसन सिंथेसिस एंड एसिड कैटेलाइज्ड आई गेस हाँ एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन इज़ ओनली देर एंड देन वी हैव इट्स टू केमिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज तो दिस विल ऑल्सो कंज्यूम नियरली ट्वेंटी फाइव मिनट्स समझ रहे हो तो हर टॉपिक पे हमें कितना कितना वक्त देना है वो हमने स्मार्टली डिसाइड कर लिया नाउ वी कैन इजीली मूव अहेड है चलिए तो शुरू करते हैं बेटा सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर से जिसमें हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा चलिए आ जाइए शांति से इतमिन से करते हैं क्लासिफिकेशन हेलो हेलो अंस टाइप ही है सो so, पहला होगा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ओ एच ग्रुप बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ओ एच ग्रुप्स करेक्ट बेटा ओ एच ग्रुप कितने हैं उसके बेसिस पर हम उन्हें मोनोहाइड्रिक ठीक है डाईहाइड्रिक डाईहाइड्रिक एंड तीसरा ट्राईहाइड्रिक कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं किसे बेटा एल्कोहल एंड फिनॉल को आई होप यू आर अवेयर ऑफ एल्कोहल। किसी भी अल्केन के अंदर अगर मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ओ एच ग्रुप अटैच कर दूं, तो उसे हम अल्कोहल कहते हैं वैसे ही अगर आप बेंजीन रिंग के अंदर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह ओ एच अटैच कर दो बेटा तो उसे हम फिनॉल कहते हैं करेक्ट ठीक है ओके अल्कोहल एंड फिनॉल क्या है मोनोहाइड्रिक का एग्जाम्पल देख लीजिए सी एच थ्री एच ठीक है डाई हाइड्रिक का ले लीजिए सी एच टू ओ एच सी एच टू ओ एच इट इज ऑल्सो नोन एज बेटा ग्लाइकोल ठीक है कॉमन नेम करेक्ट फाइन ट्राईहाइड्रिक के अंदर ये ओ एच हो गया यहां पर सी एच टू हो गया सी एच ओ एच एंड सी एच टू ओ एच दिस इज योर ग्लसरॉल ओके चलिए वैसे ही जैसे अल्कोहल के अंदर किया वैसे ही आप फिनॉल के अंदर भी जा सकते हो सो दिस इज योर फिनॉल इन द सेम वे यहां पर भी ओ एच एंड हो गया और अगर तीन जगह पे प्लेस कर दो बेटा तो यही चीज आपकी हाइड्रिक हो जाएगी फाइन तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ओ एच ग्रुप आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट क्लियर नाउ वी वुड लव टू प्रोसीड बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ठीक है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर हम इन्हें दो बेसिक कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे अगर आपका कार्बन जिससे ओ एच ग्रुप अटैच है वो sp3 पी थ्री हाइब्रिडाइज है और कार्बन जिससे ओ एच ग्रुप अटैच है वो sp2 पी टू हाइब्रिडाइज है sp3 थ्री वाले को फर्दर हम तीन कैटेगरी में अल्काइल एल्कोहल अलीलिक एल्कोहल एंड बेंजाइलिक एल्कोहल करेक्ट एन एस पी टू वाले को बेटा दो कैटेगरी में विनाइल एंड अराइल अल्कोहल के अंदर डिवाइड करेंगे ठीक है अल्काइल को फर्दर हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में डिवाइड कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल सी एच थ्री सी एच टू ओ एच ओ एच ग्रुप जिस कार्बन आइटम से अटैच है इट इज अटैच टू वन मोर कार्बन आइटम ओ एच जिस कार्बन आइटम से अटैच है इट इज़ अटैच टू टू मोर कार्बन आइटम्स ठीक है तो ये सेकेंडरी एंड टर्शरी में इट इज़ अटैच टू थ्री मोर कार्बन एटम्स सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री एंड ओ एच ठीक है तो ये हो गया अल्काइल अलीलिक के अंदर ओ एच ग्रुप जिस कार्बन एटम से अटैच है वो खुद एस पी थ्री हाइब्रिडाइज है बट उसका एडजस्टेंट कार्बन एटम डबल बॉन्डेड है गेटिंग इट बेटा तो ये कंडीशन हो गई सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू ओ एच ये हो गया आपका अलीलिक बेंजाइलिक के केस में बेटा OH ग्रुप जिस कार्बन एटम से अटैच है वो sp3 होना चाहिए यानी सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए पर वो जिस कार्बन एटम से अटैच है वो sp2 होना चाहिए तो ये कंडीशन हो गई आपकी बेंजाइलिक की सिंपल इसको बेंजाइल अल्कोहल भी कहा जाता है बेंजाइल अल्कोहल करेक्ट बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं है नेक्स्ट आ जाइए विनाइल के ऊपर ओ एच ग्रुप जिस कार्बन एटम से अटैच है वो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड है तो ये हो गया आपका विनाइल अगर आपका ओ OH एच जिस कार्बन एटम से अटैच है वो बेंजीन रिंग का हिस्सा है और वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हाइब्रिडाइज है तो उसे हम अराइल कंडीशन बोलेंगे फिनिश तो इसी के साथ हमने क्लासिफिकेशन फिनिश कर दिया चलिए बेटा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी और वो ये है कि कभी भी आपका जो कार्बन आइटम है अगर उससे दो ओ एच ग्रुप अटैच होते हैं ना तो वो हाईली अनस्टेबल होता है जैसे कि ये कंडीशन है मान लीजिए सी एच थ्री और यहाँ पर अज्यूम करिए कि यहाँ पर सी एच है ठीक है तो सेम कार्बन आइटम से अगर दो ओ एच ग्रुप अटैच है तो दे आर हाईली अनस्टेबल एंड दे टेंड टू लूज वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म अल्डी और कीटोन तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा सी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एच और यहाँ पर सी एच थ्री ये बन जा रहा है आपका अल्डीहाइड ये चीज हमेशा याद रखिएगा कार्बन के ऊपर दो ओ एच OH ग्रुप अगर सेम कार्बन आइटम से अटैच होते हैं तो वो हाईली अनस्टेबल होता है और वो रिस्पेक्टिव अल्डीहाइड या कीटोन फॉर्म कर लेता है चलिए बहुत ही बेहतरीन बेटा अयो ये क्या हो गया कोई बात नहीं चलिए नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हेड टू वर्ड्स एंड क्लासिफिकेशन डन हा तो हम बात कर रहे हैं अल्कोहल की अल्कोहल के कॉमन नेम की बात करें तो इसको बोलते हैं बेटा अल्काइल अल्कोहल क्या कहा जाता है इन्हें अल्काइल अल्कोहल अगर मैं इसके आई नेम की बात करूं तो मैं इसे बोलूंगी एल्केनॉल क्या कहूंगी बच्चों एल्केनॉल फाइन नेक्स्ट लेट्स मूव अ एंड वट वी आर गोइंग टू डू इज हाँ एग्जाम्पल्स लेते हैं यानी बेसिकली आई कैन गो अ हेड एंड राइट ओ एच इज द फंक्शनल ग्रूफ फॉर द केस ऑफ एल्कोहल एल्केन के अंदर ई को हटा के ओ एल लगाया जाता है फाइन सबसे सिंपलेस्ट सी एच थ्री ओ एच इसको कहोगे आप मिथाइल एल्कोहल और उसका नाम है बेटा क्या बोलोगे इसे बता दो मिथेनॉल यस मैम चलो वेरी गुड मेथेनॉल बोल दिया इसको अगर मेरे पास यही सी एच थ्री सी एच टू ओ एच है तो आप इसे कहोगे इथाइल अल्कोहल एंड इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल बहुत अच्छे से लिख रही हूँ आज तो मैं मुझे बड़ा मजा आ रहा है बच्चों चलिए अगर मैं यही सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच तो मैं इसे लिखूंगी नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल और इसका नाम हो जाएगा बेटा प्रोपेनॉल करेक्ट बट अब सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच ओ एच यहां पर सेकेंड कार्बन आइटम से मैंने दो सिमिलर ग्रुप अटैच कर दिए बेटा तो मैं इसे बोलूंगी आइसो प्रोपाइल एल्कोहल करेक्ट और इसका नाम हो जाएगा प्रोपैन टू ऑल क्योंकि ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंसीडर होगा तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पोजिशन सेकेंड पोजिशन पर आपका ओ एच ग्रुप है क्लियर है ठीक है अच्छा ऐसे ही अगर मैं सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू ओ एच लूँ तो ये नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल है आपको भी पता है और इसे मैं बोलूँगी ब्यूटेनॉल ओके मैम वेरी गुड चलिए अब इसका मैं आइसो कंडीशन बना लूँ सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच सी एच टू एंड ओ एच करेक्ट ये कंडीशन कैसी हो गई बेटा आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल वाली और इसे आप आ, कैसे ने नंबरिंग करेंगे या नेम करेंगे बेटा तो जाहिर सी बात है दिस विल बी अ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो यू विल राइट इट एज टू मिथाइल प्रोपेन वन ऑल करेक्ट किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए सबसे इजी टॉपिक है नोमन क्लेचर एंड क्लासिफिकेशन करेक्ट बेटा अब इसके अंदर मैं सेकेंडरी कंडीशन भी बना सकती हूं जरा ध्यान से देखिएगा यहां पर सेकेंड पोजिशन पे जो कार्बन आइटम है उसके अटैच जो ग्रुप है दोनों सिमिलर है लेकिन अगर मैं ऐसा बनाऊ ठीक है ऐसा बनाऊं तो OH ग्रुप जिस कार्बन एटम से अटैच है ये दो कार्बन एटम से अटैच है और दोनों डिसिमिलर है तो ये कंडीशन हो गई बेटा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल की गेटिंग इट ये क्या हो गया आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल और इसका नेम क्या आएगा ब्यूटैन टू ऑल करेक्ट ऐसी ही टर्शरी का कंडीशन भी बता देती हूँ आपको तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी आगे आ जाइए हां जी जिंदगी सवार दो पे अटेंशन ओके Uh, अगर मेरे पास C सी एच थ्री सॉरी बच्चों सी एच थ्री सी एच टू ओ एच है ये कंडीशन कैसी है कार्बन एटम तीन सिमिलर ग्रुप्स से अटैच है बेटा तो इसे आप कहते हो नियो एक दो तीन चार पाँच पेंटाइल नियो पेंटाइल एल्कोहल नियो पेंटाइल एल्कोहल और नोमन क्लेचर कैसे हो जाएगा तो यू कैन मूव टू द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एंड यू कैन राइट अटैस टू कॉमा टू डाई मिथायमा टू डाई मिथाइल एंड प्रोपेन वन ऑल खत्म अच्छा अब इसी में अगर मुझे टर्ट कंडीशन दिखानी है तो हाउ विल आई गो हाउ विल आई गो अहेड तो ओ OH एच हो गया यहाँ पर सी एच टू सी एच थ्री है ठीक है यहाँ पर सी एच थ्री है मान लीजिए टू थ्री फोर और ऊपर बेटा सी एच थ्री है तो इस कार्बन आइटम से जो तीनों ग्रुप्स अटैच है वो डिफरेंट है तो ये कंडीशन टर्शरी हो गई टर्ट वन टू थ्री फोर फाइव टर्ट पेंटाइल अल्कोहल ठीक है एंड अकॉर्डिंगली यू कैन गो अहेड विद द नोम क्लेचर गेटिंग इट

नहीं भाई डबल बॉन्ड की कम होगी डबल uh, बॉन्ड की प्रायोरिटी हैलो अल्केन्स में हैलोजन ग्रुप से ज़्यादा होती है यानी फ्लोरिन फ्लोरिन ब्रोमीन आयोडीन से ज़्यादा होती है बट ओ के कंपैरिज़न में कम होती है तो नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे तो वन टू थ्री एंड देन वॉट यू कॉल इट एज प्रॉप टू इन वन ऑल प्रॉप टू इन वन ऑल ठीक है इस तरह से आपको नोमचर करना है आई होप आई मेड यू वेरी वेरी क्लियर साइक्लिक स्ट्रक्चर पे जाते हो तो ये देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर है और डबल बॉन्ड नहीं है बेटा तो इसे क्या बोलोगे साइक्लो करेक्ट अगर ऐसे ही इस तरह से स्ट्रक्चर होता तो इसे आप बोलते साइक्लो पेंटेनोल क्लियर है ना कोई कंफ्यूशन नहीं है अब अगर आपको मूव करना है फिनॉल्स की तरफ सो फिनॉल्स आल्सो आई विल टेल यू सो दिस इज़ योर सिंपल फिनॉल ठीक है फिनॉल में कोई कंफ्यूशन नहीं है अब आ, मैं इसके अंदर कोई दूसरा ग्रुप अटैच करती हूँ ओएस एंड सीएल वन टू थ्री तो ये क्या हो जाएगा थ्री सिंपल phenol itself is considered as a name and this structure you can keep it as standard and accordingly you can name all the structures so you here you have oh no 2 no 2 and no 2 what you ca call it as 2 4 6 2 4 6 tri nitro and phenol 2 4 6 try phenol. ठीक है बेटा नाइट्रो ग्रुप हमेशा प्रीफिक्स में अटैच होता है ये भी आपको पता होगा चलिए आगे बढ़ते हैं लेट्स टेक सर्टेन मोर एग्जाम्पल्स फ्यू ऑफ देम फ्यू ऑफ देम बेटा फ्यू तो कर सकते हैं ना हाँ जी तो यहाँ पर आपके पास ओ एच OH ग्रुप है और सी एच थ्री ग्रुप है क्या करेंगे इसके अंदर यस अगेन फोर मिथाइल फिनोल और कॉमन नेम क्या हो जाएगा बेटा तो यू नो दैट पैरा पोजिशन पे सी एच थ्री ग्रुप है तो पैरा पोजिशन पे या फिर आप इसे पैराक्रजोल भी कहते हैं जब ओ OH एच एन सी एच थ्री ऑर्थो पैरा पोजिशन पे हैं तो पैराक्रजोल अगर ये ऑर्थो पे होते एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वन टू पोजिशन पे तो ऑर्थोक्रजोल एंड वन थ्री पोजिशन पे होते तो हम इसे मेटाक्रजोल कहते ठीक है चलो अभी आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव अहेड ओके भाई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है ना बताओगे ना है जी चल आ जाओ अभी कौन से एग्जाम्पल्स कराऊँ हाँ एक और करा देती हूँ बेटा हाँ डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स के केस में ये हो गया आपका कैटिकॉल कैटिकॉल फिर ये हो गया बेटा आपका रसॉरसिन रसॉरसिनॉल एंड ये हो गया आपका क्विनॉल ठीक है क्विनॉल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्विनॉन फॉर्म होता है फाइन है ना इसको हाइड्रोक्विन भी कहा जाता है हाइड्रोक्विन फाइन चलिए सो ये हो गया आपका बेसिक नोमन क्लेचर नाउ वी कैन मूव अहेड ओके दैट नेक्स्ट टॉपिक वी नीड टू डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल ठीक है स्ट्रक्चर ऑफ आर ओ एच एंड ओ एच ग्रुप ठीक है ध्यान से देखिएगा दिस इज योर कार्बन एटम दिस इज हाइड्रोजन दिस इज हाइड्रोजन दिस इज हाइड्रोजन दिस इज ऑक्सीजन दिस इज हाइड्रोजन ठीक है इन द सेम वे दिस इज योर बेंजीन रिंग बेटा दिस इज़ योर कार्बन ऑक्सीजन आइटम एंड दिस इज योर हाइड्रोजन एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या था कि एक रेगुलर टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में अगर आप मीथेन बनाते तो कुछ ऐसा बनाते सी एच फोर टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या हो रहा है ये स्ट्रक्चर स्ट्रेट ना जाके थोड़ा सा बेंड है ऐसा क्यों है द रीजन बिहाइंड इज ऑक्सीजन ऑक्सीजन लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन हो रहा है उस रिपल्शन की वजह से ये स्ट्रेट एंगल आपका थोड़ा सा बेंड हो गया है ये बेंड होके कितने पर आ गया है बेटा वन जीरो एट

लेंथ ज्यादा है और यहां पर क्यों कम है क्योंकि बेटा यहां पर ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो किसमें इन्वॉल्व होंगे रेजोनेंस में और रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या डेवलप होगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर और इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर के डेवलप होने की वजह से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर करेक्ट बॉन्ड लेंथ इज shorter as compared to your regular alcohol fine understood okay चलिए दोनों मुद्दे क्लियर हुए पहले तो नॉर्मल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 एट मिनट से क्यों इनका एंगल वैरी करता है क्यों कम है रीजन बीइंग द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन फाइन बॉन्ड लेंथ भी डिस्कस हो गया अब बात करते हैं बेटा डाइपोल मोमेंट की सो so, क्या ये कंपाउंड पोलार हैं ऑफकोर्स देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एज वेल एज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन बींग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है इधर से भी पार्शल नेगेटिव चार्ज एकोमोडेट करेगा और यहाँ पर पार्शल पॉजिटिव सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है लेकिन अगर मैं नेट डायपोल मोमेंट की बात करूँ तो बेटा डायपोल मोमेंट डायपोल मोमेंट का स्मॉलर है, फिन का स्मॉलर है। रीजन क्या है रीज़न क्या बेटा? का डायपोल मोमेंट स्मॉलर होने का रीजन ये है कि फिनॉल के पास ये सी सिक्स एच फाइव ग्रुप है जो क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अगर वो भी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी थोड़ी सी दिखाएगा तो ऑक्सीजन के खींचने की टेंडेंसी पे थोड़ा असर पड़ेगा ना वो थोड़ा उसके इफेक्ट को नलीफाई कर दे रहा है डायपोल मोमेंट कब जनरेट होगा ऑक्सीजन बिंदास खींचे और कार्बन बिंदास दे है ना ऑक्सीजन बिंदास खींचे और कार्बन बिंदास दे बट यहाँ पर सी सिक्स एच फाइव ग्रुप खुद भी थोड़ा सा माइनस आई इफेक्ट दिखाता है और इस वजह से उसका इफेक्ट थोड़ा सा कम हो गया है है ना तो डायपोल मोमेंट उसका कम है और यहाँ पर ज़्यादा है फाइन ओके स्ट्रक्चर इज ऑल्सो डन now we are heading towards methods of preparation methods of preparation of alcohol correct beta alcohol ko banane ke liye sabse pehle hum istemal karenge topic number 1 हम इस्तेमाल करेंगे अल्कीन का अल्कीन के अंदर भी ए एसिड कैटेलाइज्ड ये शुक्ला जी हाँ जी तो हम क्या करेंगे एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन जो कि कैरी आउट किया जाता है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में किसकी प्रेजेंस में H2SO4 चलिए रिएक्शन देखते हैं ऑल ऑफ यू आर रेडी पे अटेंशन ओवर हियर सो वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2 करेक्ट बेटा नेक्स्ट स्टेप आप इसे ट्रीट कर रहे हैं H2SO फोर से क्या ऐड करना है बेटा पानी ऐड करना है है ना हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है वाटर ऐड कर रहे हो वाटर को किसके बेसिस पर ऐड करना यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मार्कोनिकॉफ रूल है ना सिंपल शॉर्ट टारगेट बताती हूँ अगर ये रिएक्शंस कंप्लीट करनी है एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन मार्कोनिक रूल के हिसाब से करना सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में कोई भी अल्किन रिएक्ट करे यू नीड टू ऐड वाटर है ना H+ plus and OH- यहाँ पर तो किसी के साथ भी अटैच करो कोई दिक्कत नहीं है CH3CH2OH फॉर्म हो गया जैसे ही असिमेट्रिकल कंडीशन आए यू नीड टू फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल यू आरTreating it with sulfuric acid H+ plus and OH- minus the negative part of the reagent will go to that carbon atom which has lesser number of hydrogen and you will get CH3CH ओ एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री फिनिश है ना मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से आपने सिंपल 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 वाला एडिशन किया अब अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें भी करके बता दो सी एच थ्री सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच टू है इसके अंदर भी आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे बेटा एच प्लस एन ओ एच माइनस नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन एटम विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ठीक है सी एच थ्री सी एच थ्री यहां पर ओ OH एच और यहां पर सी एच थ्री खत्म कोई डाउट कोई क्वेरी हाँ वेरी गुड चलिए अब इसके अंदर बेटा आपको क्या देखना है मैकेनिज्म चलिए देखते हैं थ्री स्टेप्स के मैकेनिज्म होते हैं हमेशा बता रखे चलिए बेटा तो इसका देखना पड़ेगा हमें मैकेनिज्म मैकेनिज्म कितने स्टेप का होगा स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर वन में क्या करोगे बेटा आप प्रोटोनेशन प्रोटोनेशन यानी ये देखो सी डबल बॉन्ड सी है इस तरह से आपका अल्कीन ग्रुप है और यहाँ पर आपके पास पानी रे पानी तेरा रंग कैसा है ठीक है बेटा है ना <coughs> अच्छा इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ वी नो दैट एच टू ओ प्लस एच टू एस ओ फोर क्या बनाएंगे एच थ्री ओ प्लस जनरेट करेंगे तो बेसिकली हम यहाँ पर एच थ्री ओ प्लस ले रहे हैं अब मैं थोड़ा इसको एक मिनट इरेज करके एग्जैक्टली लिखूँ तो ज़्यादा सही रहेगा कोई एक बच्चे ने लिखा था मैम डू नॉट यूज़ इरेजर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इरेजर जितनी देर में मैं लेके आऊँगी उतनी देर में मैं आप बहुत आगे निकल जाऊँगी ठीक है तो पहला स्टेप होगा प्रोटोनेशन ठीक है हमेशा प्रोटोनेशन करते वक्त ध्यान रखिए कि एक न्यूक्लियोफिलिक साइट होगा और एक इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन रिच साइट इलेक्ट्रॉन रिच वाला कौन सा है डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम्स तो किसी भी एक साइड पर ब्रेक कर लीजिए अगर ये साइड पर ब्रेक करो या ये साइड पर कुछ मैटर नहीं करता है चलो तो हम एक काम करते हैं हम उल्टी वाली साइड पर ब्रेक करते हैं ताकि आगे की मैकेनिज़्म थोड़ा लिखने में मजा आए ठीक है सिर्फ लिखने के कन्वीनियंस से ब्रेक किसी भी साइड कर सकते हो इधर तोड़ा मान लो ठीक है तो इधर क्या हो गया बेटा नेगेटिव अब ये नेगेटिव वाली साइड प्रोटोन पर अटैक करेगी और ये चीज बाहर निकल जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है यहाँ पर पानी की उत्पत्ति हो रही है और यहाँ पर बेटा किसकी उत्पत्ति हो रही है इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन कंबाइन हो गया है और ये कार्बन बेचारा नल्ला पॉजिटिव साथ चार्ज के साथ घूम रहा है यानी बेसिकली आपको कार्बो कैटान जनरेट होता हुआ या दिख रहा है ओके स्टेप नंबर टू क्या करना चाहिए बेटा जाहिर सी बात है कि अगर कार्बो कैटैन जनरेट हुआ है पॉजिटिव सेंटर है तो अब उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो नेक्स्ट स्टेप इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन है बेटा वाटर ही होगा ठीक है पानी रे पानी तेरा रंग कैसा जिसमें बनाओ मिले जिसमें मिलाओ बने उस जैसा तो वाटर ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पे अपने लोन पेयर देने की फुल कोशिश की दानी कुमड़न बनने की सलमान खान सोनू सूद सब बनने की कोशिश की अब देखते हैं कितना असर होता है तो ये कार्बन हो गया बेटा टणंग टणंग यहाँ से कर लो यहाँ से कर लेते हैं ओ एच एन एच अब ऑक्सीजन अगर अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज के साथ तो घूमने ही वाला है और ऑक्सीजन कायदे से अपने ऊपर ज़्यादा देर तक पॉजिटिव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो स्टेप थ्री क्या होगा दे तो दिया लेकिन पछता रहा है तो हमें करना पड़ेगा इसका डी प्रोटोनेशन क्या करोगे बच्चों डी प्रोटोनेशन डी प्रोटोनेशन करने के लिए अगेन हमें रेस्क्यू करने के लिए लाना पड़ेगा किसको पानी रे पानी तेरे रंग कैसे पर पर पॉजिटिव है यहां पर पानी है है बेटा ठीक पानी क्या करेगा फिर से एक प्रोटॉन को स्नैच करेगा और ये वाला प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन देकर एच ओ प्लस के फॉर्म में बाहर निकलता बनेगा तो सी यहाँ पर ओ एच देख रहे हो इस तरह से अल्कोहल बनता हुआ और सल्फ्यूरिक एसिड अपना पूरा रोल प्ले करता हुआ सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे कैटलिस्ट है जितनी क्वांटिटी में कंज्यूम हुआ था उतनी ही क्वांटिटी में रीजनरेट हो गया यही एक कैटलिस्ट का काम होता है तो ये हो गई इसकी थ्री स्टेप मैकेनिज़्म गेम ओवर कहीं पे भी एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन करना हो तो अल्किन के अंदर आपको वाटर ऐड करना है बेस्ड ऑन मार्कोनिक ऑफ रूल ये स्मार्ट बच्चों का स्मार्ट टेक्निक ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है सेकेंड इज माई डियर स्टूडेंट्स अ नेम रिएक्शन दैट इज अल्किन में ही हाइड्रो हाइड्रो अरे हाइब्रोड लिख कर दिया बच्चों स्पेलिंग पे कृपया ध्यान ना दें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि केमिस्ट्री के अलावा स्पेलिंग पर भी ध्यान दिया जाए हाइड्रोवोरेशन ऑक्सीडेशन ठीक है इसे इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन कहते हैं बेटा इस ऑक्सीडेशन को किस तरह से कैरी आउट किया जाता है तो वो समझते हैं चलिए देखिए सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू ये क्या है बेटा इसको ओलिफिन यानी कि अल्किन भी कहा जाता है इसके अंदर हम इनडायरेक्टली बेसिकली वाटर ऐड करते हैं हाइड्रोबोरिशन ऑक्सीडेशन में पहले मैं आपको शॉर्टकट बता दूँ या लॉन्ग कट बताऊँ पहले लॉन्ग कट सुन लो तो मज़ा आएगी तो कर किया क्या जाता है ये आपका अल्कीन है और इसे हम किससे ट्रीट करते हैं बेटा डाईबोरिन से किससे ट्रीट करना है डाइबोरेन मैम ये क्या होता है तो बेटा डाइबोरेन इज बेसिकली बी टू एच सिक्स जिसे आप और कैसे लिख सकते हो बी एच थ्री होल वाइस या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो एच बी एच टू होल वाइस करेक्ट है ना दोनों तरीकों से लिख सकते हो कोई डाउट कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए फाइन तो हम इसे इस संस्कारी वे में लिखेंगे बेटा एंड लेट मी टेल यू कि ये जो डाइबोरेन है ये एक इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की तरह एक्ट करता है ओई किसकी तरह एक्ट करता है बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की तरह ओके मैम चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए तो अटैचमेंट करिए फटाक से इसका क्या करोगे क्या फॉर्म करोगे यहाँ पे जरा सोचो तो वी आर गेटिंग सी एच थ्री सी ये वाला एच इस साइड पे और बेटा डबल बॉन्ड को यहाँ से जो डबल बॉन्ड है उसका एक डबल बॉन्ड हटाते हुए यहाँ पर सी एच टू और उसके साथ बी एच टू अटैच कर लो इतना समझ में आ गया ठीक है ये स्टेप नंबर वन वापस इसको हमने अल्कीन से ट्रीट करना है सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू ठीक है फिर से क्या होगा ये जो बोरोन है इसका दूसरा हाइड्रोजन इस तरीके से अल्कीन अलकी, से रिप्लेस होगा यानी सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बी सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री और यहाँ पर एच थर्ड स्टेप में फिर से हम एक अल्किन से ट्रीट करेंगे सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू वॉट वी आर गेटिंग सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बी सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री इन शॉर्ट मैं इस कंपाउंड को इस तरह से लिख सकती हूँ बी है ना आँ I can write B सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री थ्री टाइम्स करेक्ट आई कैन राइट इट लाइक है ना तीन मोल ऑफ अल्किन हमने यूज किया डाइबोरेन के साथ इन ऑर्डर टू फॉर्म दिस ट्राइबोरेन. क्या बनाया हमने बेटा ट्राइबोरेन. ठीक है अब इस ट्राई ट्राई अल्काइल बोरेन करेक्ट ये हो गया ट्राई अल्काइल बोरेन अब क्योंकि हमारे पास ट्राई अल्काइल बोरेन है बी सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री थ्री टाइम्स हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप यहाँ तक हाइड्रोबोरेशन था अब इसको ऑक्सीडेशन करेंगे ऑक्सीडेशन करने के लिए हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस ओ एच माइनस का इस्तेमाल करेंगे एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इन टू एल्कोहल सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच क्योंकि क्या मिलेगा जनरेट होगा अलॉन्ग फॉर्मेशन ऑफ एच थ्री बी ओ थ्री वी डोंट है मैकेनिज्म गो अहेड विथ दिस शॉर्टकट ट्रिक ये है कि कभी भी डायरेक्ट एडिशन करना हो तो अल्कीन प्लस डायबोरेन and H2O2 in presence of OH minus what you have to do add water according to anti Markonikov rule anti Markonikov rule और ये भी याद रखिएगा कि जो hydroboration oxidation है उसमें three moles of alcohol generate होता है ठीक है बेटा understood तो अब next reaction में आपको product लिखना हो तो आप easily लिख सकते हो देखो ध्यान से Ch3, C, Ch3, double bond Ch2, plus B2H6, followed by this is your first step, and the second step is H2O2 followed by OH minus. What product you are going to write? So you have to simply add water based on anti of rule. The negative part of the reagent will go to that carbon atom which has more number of hydrogen. सी एच सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू ओ एच खत्म है लेमन लेमनजी क्लियर है तो दोनों रिएक्शन में बस इतना ही डिफरेंस था क्लियर है अब आ जाते हैं सेकेंड प्रिपरेशन ओ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट प्रिपरेशन दैट इज फ्रॉम अल्कीन हो गया तो अल्कीन में हमने दो मेथड किए अब हम सेकेंड मेथड पे आते हैं फ्रॉम कार्बोनल कंपाउंड्स बाय देर रिडक्शन करेक्ट ओके बेटा तो रिडक्शन जब आप कैरी आउट करते हो तो जाहिर सी बात है आप रिड्यूसिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हो एल आई ए एल एच फोर एन ए बी एच फोर देन यू यूज सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल इथेनॉल ये सब हाइड्रोजन जनरेटिंग रिएक्शंस हैं कोई भी मेटल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस और वो हाइड्रोजन हम रिडक्शन प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है पी पी डी नी पी टी पी डी नी प्लेटिनम पलेडियम निकल इन प्रेजेंस ऑफ एच टू है ना एनी ऑफ दीज रिड्यूसिंग एजेंट्स कैन बी यूज फॉर कैरिंग आउट रिडक्शन करेक्ट बेटा है ना अब आपके पास अल्डीहाइड हो आर सी डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड एच आप इसे ट्रीट कर रहे हो बेटा एल आई ए एल एच फोर से ये रिड्यूस हो जाएगा अपने रिस्पेक्टिव अल्कोहल के अंदर करेक्ट है ना तो ये आर सी एच टू ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा टिंग इट इन द सेम वे अगर आपके पास आर सी डबल बॉन्ड ओ आर है एंड अगेन इफ यू आर ट्रीटिंग इट विथ एल आई ए एल एच फोर इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इन टू आर सी यहाँ पे आर सिंगल बॉन्ड हुआ है सेम नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स के साथ वो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनल कंपाउंड आपका क्लियर है ना बेटा यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है ऐसे ही हम एस्टर का भी रिडक्शन कैरी आउट कर सकते हैं बट यहाँ पर एक चीज़ नोट डाउन करने जैसी है अल्डीहाइड आपको प्राइमरी अल्कोहल दे रहा है और कीटोन आपको सेकेंडरी अल्कोहल दे रहा है कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए हां जी बेटा इसी तरह से आप एस्टर्स का भी रिडक्शन कर सकते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ आर डैश अगेन यू कैन यूज अलाई ए एल एच फोर एन ए बी एच फोर सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल टू गेट योर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स ठीक है आर सी एच टू ओ एच एन आर डैश ओ एच करेक्ट बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं है चलिए बहुत ही बेहतरीन तो ये सारी चीज़ें हमने कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट किया अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इज यूजिंग ग्रिगनार्ड रिएजेंट थर्ड टाइप इज यूजिंग आर एम जी एक्स ग्रिगनार्ड रिएजेंट ठीक है बेटा ग्रिगनाड रिएजेंट का हम इस्तेमाल करेंगे चलिए देखते हैं तो मैंने C डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच और यहाँ पर सी एच थ्री लिया है यानी बेसिकली एल डी हाइड लिया है और मैंने यहाँ पर सी एच थ्री एम जी बी आर लिया है कैसे होगा रिएक्शन ये बॉन्ड को यहाँ पर ब्रेक करिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ग्रिगनार्ड रिएजेंट यहाँ से ब्रेक होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ एक्सचेंज करिए इस पॉजिटिव पर ये वाला जाएगा है ना देखो प्रोडक्ट तो C के साथ H ऑलरेडी है सी एच थ्री ऑलरेडी है अब ये एक सी एच थ्री और आ गया सिंगल बॉन्ड O था उसके साथ एम जी बी आर अटैच हो गया ठीक है बेटा यहाँ तक समझ में आया फॉलोड बाई एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन अब क्या करना है वाटर एड करना है किसके अलांग बेटा तो ऑक्सीजन और एम जी के अलाग तो ऑक्सीजन नेगेटिव है तो वाटर का एच प्लस उसके पास जाएगा और एम जी पॉजिटिव है तो उसके पास ओ एच माइनस जाएगा तो क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री ओ एच बन गया आपका एल्कोहल क्लियर है बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं है वेरी सिंपल वेरी इजी ओके इन द सेम वे अगर दोनों साइड पे सी एच थ्री सी डबल बॉन्डो सी एच थ्री लोगे और यहाँ पर मान लो आपने सी टू एच फाइव एम जी बी आर लिया है प्रैक्टिस कर लो ये नेगेटिव ये साइड पॉजिटिव यहां से ब्रेक करो क्या बनेगा सी एच थ्री सी सी एच थ्री एक और यहां पर सी टू एच फाइव अटैच हो गया और यहां से सिंगल बॉन्ड ओ एम जी बी आर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस यू आर गेटिंग सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी टू एच फाइव ओ एच प्लस एम जी बी आर ओ एच खत्म नाइस मज़ा आया है ना इजी था चलिए बेटा ये चीज़ भी आपकी क्लियर हुई तो एक हमने अल्डीहाइड ले लिया एक कीटोन ले लिया अब एक एस्टर भी लेकर देख लेते हैं कि उसके अंदर भी क्या होता है ग्रेट रिएजेंट के साथ तो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सी एच थ्री प्लस सी एच थ्री एम जी बी आर करेक्ट बॉन्ड को तोड़ो क्या हो गया भाई साहब एनी इश्यूज नो फाइन तो ये पॉजिटिव और ये साइड नेगेटिव ठीक है बेटा अब हम क्या करेंगे ये नेगेटिव साइड हो गई ये साइड पॉजिटिव आगे रिएक्शन प्रोसीड करेंगे सी एच थ्री सी नीचे के साइड पे सी एच थ्री यहाँ पर ओ सी एच थ्री है और ऊपर ओ एम जी बी आर अटैच हुआ ठीक है बेटा ओ सी एच थ्री या ओ सी टू एच फाइव एक बहुत ही अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं बेटा ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव तो ये वाली साइट इसके साथ बाहर निकल जाती है बच्चों और ये इस तरह से कीटोन बना लेता है तो हम बनाएंगे सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ एम जी बी आर सी एच थ्री ठीक है क्लियर है ओके यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई आपको हाँ जी हाँ हा 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 आई कैन राइट इज सी एच थ्री ओ एम जी बी आर लाइक दिस तो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा अब कीटोन के साथ तो आप फिर से दूसरा मोल यूज़ कर सकते हो सी एच थ्री एम जी बी आर क्या बनेगा बेटा आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हो सी एच थ्री सी होगा यहाँ पर सी एच होगा यहाँ पर सी एच होगा ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा और यहाँ पर एम जी बी आर ओ एच खत्म तो ये बन गया आपका एल्कोहल लेकिन एस्टर के केस में हमने क्या देखा कि हमें दो ग्रिगनाड रिएजेंट के दो मोल की आवश्यकता पड़ रही है बाकी केसेस में एक एक मोल की आवश्यकता पड़ रही है अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए कि हमने देखा कि रिडक्शन का करने के लिए हमने रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल किया तो अगर मेरे पास सी एच सी सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच सी वन टू थ्री वन टू थ्री हाँ और यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बेटा एल आई ए एल एच फोर का तो क्या प्रोडक्ट बनेगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी ओ एच सी एच थ्री ये प्रोडक्ट बनेगा या फिर सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच बताओ कौन सा प्रोडक्ट सही है प्रोडक्ट नंबर ए या प्रोडक्ट नंबर बी बी सही है बेटा एल आई ए एल एच फोर नेवर रिड्यूज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ठीक है कभी भी वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं करता है एंड इट इज द बेस्ट रिएजेंट बट क्योंकि एक्सपेंसिव होता है तो रेडिली एन फोर का इस्तेमाल या फिर बाकी रिएजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है फाइन ओके नाउ बेटा आई थिंक हमने प्रिपरेशन को कर लिया है फिनिश नाउ वी कैन हेड टूवर्थ फिजिकल प्रॉपर्टीज यस बट बेटा बिफोर बिगिनिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज आई थिंक वी नीड टू फिनिश द प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल ठीक है चार रिएक्शन थी जरा फटाफट से देख लेते हैं पहला रिएक्शन विद डाइजोनियम सॉल्ट तो डाइजोनियम सॉल्ट के साथ ये कैसे रिएक्शन करता है जरा ध्यान से देखिएगा ये हो गया आपका बेंजीन रिंग यहाँ पर एन टू प्लस एन सी एल माइनस बी डी सी हो गया बेटा इसको सिंपल अगर आप वाटर के साथ हीट कर लोगे ना सिंपल वाटर के साथ हीट कर लोगे बेटा तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर ढींका चिक्का फिनॉल मिल जाएगा खत्म रिएक्शन नंबर वन इज कम्प्लीटेड बेटा चलिए अभी रिएक्शन नंबर टू पे आते हैं वी ऑल्सो वॉन्ट इट टू प्रिपेयर फ्रॉम हेलो अरिन्स ठीक है तो फ्रॉम हेलो अरीन्स करेक्ट हेलो अरिन्स से ठीक है तो हेलो अरिन से कैसे बनाओगे ये हो गया आपका सी एल आपने इसको ट्रीट किया एन ए ओ एच से ये पहले बनाएगा सोडियम फिनोक्साइड ओ एन ए फॉलोड बाई हाइड्रोलिस एसिड कैटेलाइज एंड दैट विल गिव यू फिनॉल फिनिश सिंपल इजी पीजी लेम पीजी चलिए नेक्स्ट यहां पर एन ए प्लस आय भी जनरेट कर सकते हो तीसरा फ्रॉम सल्फोनिक एसिड फ्रॉम सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड अब इसमें कई बच्चों को पता ही नहीं होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसा दिखता है ये हो गया बेटा आपका बेंजीन, ये हो गया आपका एसओ थ्री एच करेक्ट ये हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड किससे ट्रीट करोगे सिंपल सी बात है एनओ से ही रिएक्शन कैरी आउट की जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में तो यहां पर एस थ्री एन ए जनरेट होगा फर्दर अगर आप इसका एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन करते हो या फिर फिर से एनियज से ट्रीट करते हो एक काम करते हैं फिर से एनिवेज से ट्रीट करेंगे तो हम हमें मदद हो जाएगी एन्यवेज के मोल्स अगर ज़्यादा रखेंगे तो यहाँ पर हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा जिससे हम फिर से एसिड कैटेलाइज कर सकते हैं और उसे हम फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं ख़त्म ओके okay, तो रिएक्शन नंबर थ्री इज आल्सो कंप्लीटेड चलिए बेटा लास्ट मेथड देखते हैं दैट इज प्रेपरेशन फ्रॉम क्यूमीन ठीक है अब क्यूमीन होता क्या है और क्यूमीन कैसे जनरेट किया जाता है दिस इज रिएक्शन नंबर फोर सो दिस इज योर बेंजीन ठीक है बेटा बेंजीन को आप किससे ट्रीट कर रहे हो सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू से ठीक है ये हो गया आपका प्रोपीन बेंजीन को अगर आप प्रोपीन से ट्रीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एच थ्री पी ओ फोर फॉस्फोरिक एसिड बेटा या फिर आप कोई दूसरा रिएजेंट भी यूज़ कर सकते हो ए एल सी एल थ्री भी यूज़ कर सकते हो तो होगा क्या इस तरह से अटैचमेंट होगी सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू और यहाँ पर सी एच थ्री ठीक है बेटा ये क्या हो गया आपका भाई डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने वेट डबल बॉन्ड हटा हटाते हैं इरेज कर ले बेटा या फिर आप अज्यूम कर लोगे फिर बोलोगे मैम ने गलत लिखा दिया टन न जाओ बे, देखो यही कारण है कि मैम आपकी इरेजर यूज नहीं करती है ठीक है सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री करेक्ट अभी सही है ये क्या हो गया बेटा आपका क्यूमीन है ये क्या है क्यूमीन अच्छा अब इस क्यूमीन का आपको एयर ऑक्सीडेशन करना है एक्सेसिव हवा में ऑक्सीडेशन कैरी आउट करना है तो एयर ऑक्सीडेशन के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो O2 in presence of air. ये बेटा कुछ टाइप लिंकेज जनरेट करेगा एंड उसे हम कहते हैं क्यूमीन सी एच थ्री सी एच थ्री यहां पर ओ ओ एच ये देख रहे हो ओ एच ऊपर दिखाई दे रहा है इसको बोलोगे क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड क्या बोलोगे बेटा क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड और इस क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड को फर्दर आप किससे ट्रीट करोगे बेटा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से एंड जैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करोगे यहां से सी एच थ्री सी डबल बॉन्डो सी एच थ्री बाहर निकल जाएगा यानी सी एच थ्री सी डबल बॉन्डो सी एच थ्री एसिटोन इज आउट अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ ढिका चिका ढिंका चिका धिंक चिका फिनॉल फिनिश ओके फोर मैथड्स फोर रिएक्शन एंड यू आर फिनिश विथ प्रेपरेश कैन हैड टूवर्ड्स देर फिजिकल प्रॉपर्टीज आइए बात कर लेते हैं बेटा इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज की जिसके अंदर हमारा मेजर फोकस होगा पहला सोल्यूबिलिटी जो हम सारे केसेस इस साइड पर डिस्कस करेंगे और दूसरा माय डियर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस देर बॉइलिंग पॉइंट आर यू ओके विद यस कोर्स ओके सो माय डियर स्टूडेंट्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सोल्यूबिलिटी योर सोल्यूबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग करेक्ट जरा समझते हैं कैसे ठीक है हमें पता है कि इफ आई हैव ठीक है इफ आई हैव सी थ्री सी टू ओ एंड देन इफ आई मूव अहेड एंड दिस आर ग्रुप्स गेट बिगर एंड बिगर तो उसमें होता क्या है बेटा जितना ये आर ग्रुप बड़ा होगा दिस इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर ठीक है हाइड्रोफोबिक है तो ये क्या करेगा वाटर को रिपेल करेगा और ये जल्दी से डिजोल्व नहीं होगा तो जितना आर ग्रुप बड़ा होगा उतनी ही उसकी सॉलिबिलिटी कम होगी इसीलिए सॉलिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं फाइन ओके okay. एंड वी नो देट अल्कोहल की सॉल्यूबिलिटी वैसे भी अल्कोहल की सॉलिबिलिटी हाई होती है क्योंकि वो क्या बनाता है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की वजह से उसकी सॉलिबिलिटी एक्सट्रीमली हाई होती है मोलार मास ज़्यादा होगा तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी लेकिन अगर मैं आइसोमैरिक एल्कोहल्स की बात करूँ किसकी बात कर रही हूँ आइसोमेरिक एल्कोहॉल फॉर एग्जाम्पल सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू ओ एच है ना अब इसका आइसोमर बनाओ सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच टू ओ एच इन दोनों में से पूछा जाए कि बॉयिंग सॉरी सॉलिबिलिटी किसकी हाई है बेटा तो जितना सरफेस एरिया कम होगा अल्काइल ग्रुप का जितना सरफेस एरिया कम होगा उतनी ही सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी यानी जैसे जैसे आप ब्रांचिंग बढ़ाते जाओगे सॉलिबिलिटी बढ़ती जाएगी इन दोनों के कंपेयर में दिस वन इज मोर ब्रांच तो इसकी सॉलिबिलिटी पानी में ज़्यादा होगी समझ गए क्लियर है ओके वेरी गुड चलो बॉइलिंग पॉइंट में पूरा केस उल्टा होता है ठीक है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास हायर इज द मोलार मास हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग ठीक है ओके चलो अब इसका भी केस देख लो फट्टे से है ना अरेंज द तो फॉलोइंग इन ऑर्डर्स आएंगे और उसमें आपको बताना होगा हाईएस्ट या लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का कौन सा ऑर्डर करेक्ट होगा अगर एमसीक्यू में आ गया तो तो वी हैव सी एच थ्री ओ एच एंड वी हैव सी टू एच फाइव ओ एच जाहिर सी बात है इसका ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ब्रांचिंग की बात कर लेते हैं सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू ओ एच है हमारे पास एंड सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री ओ एच है ठीक है इसमें ब्रांचिंग बढ़ गई ब्रांचिंग बढ़ी तो सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ तो वनड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दू अदर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो और अगर तो वी नीड लेस एंड लेस हीट टू ब्रेक द बॉन्ड यानी हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट विल बी लो सो हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट लो हायर इज दई गेस लाइट चली गई है वाव तो बच्चों कैसा लग रहा है अब है ना कैमरा चार्ज है तब तक तो चलेगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है टेक्निकल इशू बाइ यू आर रिकॉर्डिंग द वीडियो दिस इज व्हाट इज़ हैपनिंग पर बोर्ड बड़ा मस्त दिख रहा है और मेरी परछाई दिख रही है आई होप लाइट जल्दी आ जाए ठीक है तो क्या बोला हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मोलर मास सॉरी इन्वर्सली प्रपोर्शन टू मोलर मास एंड डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट के अंदर मोलर मास के डायरेक्टली प्रपोर्शनल ब्रांचिंग के रिवर्स यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दैट्स ऑल तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इसी के साथ हमने कर दिया है खत्म देखते हैं लाइट कब आती है वैसे ही मैम आपकी उजाले में आ जाएगी करेक्ट येस yes, तो बेटा लाइट चली गई थी फाइनली लाइट वापस आ चुकी है एंड हम कहाँ पर अटके थे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सॉलिबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट आई होप कि आपको ये दो लाइन में ही क्लियर हो गया है कि मोलार मास और ब्रांचिंग से ये कैसे रिलेटेड और ये कैसे दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट रन करते हैं कोई भी अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर आए आपको आना चाहिए आंसर बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए इसी के साथ बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी फिनिश होती है नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल ठीक है थोड़ा ना पॉइंटर का कलर चेंज कर लेते हैं बिकॉज रेड इज नॉट विजिबल ऑन ब्लैक तो इंक कलर करेंगे हम येलो केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट करने से पहले बेटा एक चीज जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है और वो क्या है चलिए देखते हैं जब आप अल्कोहल की बात करते हो तो वो किसकी तरह बिहेव करता है डज इट बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल और डज इट बिहेव लाइक अ न्यूक्लियो है ना ये तो जानना पड़ेगा लेट मी टेल यू अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करता है बेटा न्यूक्लियो की तरह भी बिहेव करता है न्यूक्लियो की तरह तो साफ साफ दिख रहा है कि मेरे पास सी एच थ्री सी एच टू ओ एच है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट कैन बी इजीली डोनेटेड इलेक्ट्रॉन रिथ स्पीशीज तो इट इज़ एक्टिंग लाइक अ न्यूक्लियोफाइल बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के लिए प्रोटोनेटेड अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है वट इज़ प्रोटोनेटेड अल्कोहल बेटा है ना प्रोटोनेटेड अल्कोहल समझेंगे फटाक से देख लीजिए तो अगर मेरे पास आर सी एच टू ओ एच है करेक्ट बेटा अगर मैं इसे प्रोटोनेट करती हूँ यानी कि H+ प्लस एड करती हूँ तो आपको पता है ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन एस एच को देगा और इस तरह से ये क्या बनाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया नाउ इट कैन रेडिली बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल आई होप यू अंडरस्टूड तो अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करता है बेटा और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है चलिए बहुत ही बेहतरीन अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आई थिंक आई वुड लव टू टेक इट अप ऑन द नेक्स्ट स्लाइड एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द केमिकल रिएक्शंस जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे <coughs> केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल करेक्ट इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे बेटा इसमें भी तीन कैटेगरी थी ना क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि अगर ये आर सी एच टू ओ एच है तो बॉन्ड पोलारिटी यहाँ पर भी है है ना तो बॉन्ड को आप यहां से भी तोड़ सकते हो जब यहां से तोड़ के कोई केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हो तो इसे बोलते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज वाली रिएक्शंस करेक्ट और हमें पता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो ये पार्शियल नेगेटिव बेटा ये पार्शियल पॉजिटिव जब आप कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड क्लीवेज को स्टडी करते हो देन इट इज कंसीडर्ड एज देन इट इज कंसीडर्ड एज सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन एंड थर्ड कैटेगरी विच वी आर गोइंग टू टेक जिसके अंदर आपका अल्कोहल यानी ओ ग्रुप और आर ग्रुप दोनों इन्वॉल्व हो ओ एंड अल्काइल बोथ आर इन्वॉल्व तो हम ये तीन केसेस देखेंगे रिएक्शन के टाइप्स के एंड वी आर गोइंग टू बिगेन विद द फर्स्ट केस दैट इज ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज सबसे बेसिक रिएक्शन कौन सी दिमाग में आती है अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन ब्रेक करते हो तो H प्लस रिलीज होगा और H प्लस रिलीज करना किसकी टेंडेंसी होता है बेटा एसिड की टेंडेंसी होती है गेटिंग इट एसिड की टेंडेंसी होती है अब एसिड के रिएक्शन आप सभी को पता है ना है ना तो देखते हैं एसिड की रिएक्शंस तो हम सबसे पहला केस स्टडी करेंगे एसिडिक कैरेक्टर एस्टेरिफिकेशन और एसाइलेशन तीन टाइप के रिएक्शन पढ़ेंगे। एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हैं बेटा एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हो तो हमें पता है कि कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है सॉल्ट और वो क्या रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है वैसे बेटा आपका जो एल्कोहल है वो एसिडिक नहीं है बट देर आर सर्टन एल्कोहल्स विच टेंड टू रिएक्ट विथ सोडियम मेटल है ना आपका जो अल्कोहल है किसके साथ रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ और क्या बनाता है आर ओ एन ए प्लस हाफ एच टू हाइड्रोजन गैस इस तरह से इवॉल्व करता है नॉट ऑल एल्कोहल्स आर केपेबल ऑफ शोइंग दिस रिएक्शन ठीक है तो भाई आ, ऐसा क्यों है वाई एल्कोहल इज वीक एसिड और इज नॉट एज मच एसिडिक इन नेचर है ना क्यों ये इतना एसिडिक नहीं होता है सिंपल है आंसर बेटा एसिडिक कैरेक्टर किस पे जज होता है एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ठीक है इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट ये तीनों पॉइंट अगर आपको याद है तो उसके बेसिस पर हम चीज़ें देखेंगे ये देखिए ये आपका अल्कोहल है बेटा ठीक है क्या दिखा मैंने यहाँ पर अल्कोहल ओके okay. अब इस अल्कोहल में अगर मैं H प्लस रिमूव कर देती हूँ ठीक है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज हुआ तो यहाँ पर आर ओ माइनस जनरेट होगा ठीक है बेटा तो ये अगर एसिड है तो ये उसका कॉन्जुगेट बेज होगा इसको बोलोगे आप एल्कोक्साइड आयन एल्कोक्साइड आयन ठीक है बेटा ये इसका कॉन्जुगेट बेस है कंडीशन क्या है आपका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होना चाहिए H प्लस रिलीज करने के बाद तभी ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा फाइन तो क्या ये स्टेबल है जस्ट वन मिनट यस क्या ये स्टेबल है बेटा ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और यहां से अल्काइल ग्रुप लगातार प्लस आई इफेक्ट दिखाकर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर बढ़ाता जा रहा है अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर बढ़ती जाएगी तो ये अल्कोक्साइड आयन बेटा हाईली अनस्टेबल हो जाएगा हाईली अनस्टेबल हो जाएगा और अगर कॉन्जुकेट बेस अनस्टेबल है तो दिस कैन नॉट बिहेव लाइक एन एसिड गेटिंग इट ओके okay, तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर कंसीडरिंग एनी सब्सटेंस एज एन एसिड ओके चलिए ये बहुत बेसिक मुद्दा था अभी इसी बेसिक मुद्दे को आगे लेकर चलते हैं इफ़ आई हैव यस इफ आई हैव सेवरल अल्कोहल्स एंड आई एम गोइंग टू कैटेगराइज ईच ऑफ द केस एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल जरा ध्यान से सुनिएगा ठीक है प्राइमरी सेकेंडरी एंड थ्री डिग्री एल्कोहल्स हैं आपके पास आई एम गोन मेक देम ऑल जरा सेंसिबली आंसर दीजिएगा सो आई हैव सी एच थ्री सी एच टू ओ एच ठीक है देन आई हैव सी एच थ्री सी ओ एच सी एच थ्री एंड यहाँ से एच एंड तीसरा है सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री एंड ओ एच बेटा इमेजिन करिए विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रोंगेस्ट एसिड कौन सबसे अच्छा एसिड होगा तो ज़रा सोचते हैं इसको ध्यान से जैसे ही आप इसका H प्लस निकालेंगे ये क्या देगा सी एच थ्री सी एच टू ओ माइनस प्लस एच प्लस ठीक है यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो सी एच थ्री सी यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है तो सी एच सी एच थ्री और यहाँ पर ओ माइनस करेक्ट और तीसरे केस में सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री माइनस ठीक है ये इनके रिस्पेक्टिव क्या है बेटा इनके कॉन्जुगेट बेज है ठीक है अगर मैं एसिड कंसीडर करती हूँ तो ये इनके कॉन्जुगेट बेज हैं जरा ध्यान से देखोगे तो आपको क्या पता चल रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाला इथाइल ग्रुप है यहाँ पे बेटा दो मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट दिखाने के लिए थ्री मिथाइल ग्रुप है यानी कि ऑक्सीजन के प्लेट में ऑलरेडी खाना है फिर भी हम लगातार खाना ऐड किए जा रहे हैं ऐड किए जा रहे हैं ऐड किए जा रहे हैं तो वो हाईली अनस्टेबल होगा ना अगर आपका पेट भर गया है तो क्या उसके बाद भी आप रोटियां खाओगे नहीं वही हाल ऑक्सीजन का है नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर लेकिन लगातार उसको इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से मिल रहा है तो इट विल गेट हाईली अनस्टेबल और जितना कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल होगा बेटा उतना ही वीक एसिड होगा तो ये मोस्ट अनस्टेबल ये उससे कम और ये उससे कम ये इन तीनों केसेस में ये ज्यादा स्टेबल है तो एसिडिक कैरेक्टर अगर आपको बोला जाए अरेंज अरेन्ज दल्कोहॉल इन दी ऑर्डर ऑफ दियर एसिडिक कैरेक्टर वन डिग्री इज मोर एसिडिक देन टू डिग्री देन थ्री डिग्री गॉट इट ओके तो ऐसे लिखिए एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस बेटा क्लियर है ओके okay? यही सेम केस अगर मैं वाटर के लिए डिस्कस करूं ठीक है बेटा आपके पास ऑक्सीजन है एच है एच है यहाँ पर अल्कोहल है सी एच थ्री एन ओ एन एच ज़रा ध्यान से देखिएगा अगर अब यहाँ पर मैं आपसे पूछती हूँ कि कौन इसमें से ज़्यादा एसिडिक होगा वॉट यू आर गोइंग टू से ये देखिए ये ओ एच माइनस प्लस एच प्लस जनरेट करेगा और ये सी एच थ्री ओ माइनस प्लस एच प्लस जनरेट करेगा बताइए कौन सा ज़्यादा स्टेबल है बेटा यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो ग्रुप है जो उसके ऊपर लगातार ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है लेकिन ओ OH केस के में ऐसा कुछ नहीं है तो एच माइनसेट बेस इज मोर स्टेबल ठीक है और अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो जाहिर सी बात है वॉटर इज मोर एसिडिकलकोहल वॉटर इज मोर एसिडिकल्कोहल वेरी गुड बेटा अमेजिंग हां अब यहां पर एक और मुद्दा बताऊंगी मैं जितना स्ट्रोंग एसिड होगा स्ट्रोंगर द एसिड वीकर विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस वीकर विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस ये पॉइंट भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि यहां पर मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बताई कि प्राइमरी की सबसे ज्यादा है ठीक है तो अगर अब मैं उनके कॉन्जुगेट बेसिस की बात कर रही हूँ तो कॉन्जुगेट बेस में बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगा जो सबसे पुअरली एसिडिक है तो ये सबसे पुअरली एसिडिक है तो मैं कॉन्जुगेट बेस के केसेस में इस तरह से लिख सकती हूँ कि बेसिक स्ट्रेंथ इनक्रीजेज क्लियर क्योंकि ये सबसे 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 वीकेस्ट एसिड है इसीलिए उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गेस्ट होगा ये सारे मुद्दे क्लियर हो गए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं अननेसेसरी बच्चा इसके अंदर कन्फ्यूज हो जाता है अब एक और केस बताऊंगी जहाँ पर हम कंपेयर करेंगे अल्कोहल एंड फिनॉल को ठीक है बेटा अल्कोहल एंड फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर ओके सो आई हैव सी एच थ्री ओ एच ठीक है एंड फिनॉल में दिस इज़ योर बेंजीन रिंग ओ एंड एच आफ्टर लूजिंग इट इज गोइंग टू फॉर्म सी एच थ्री ओ माइनस प्लस एच प्लस और यहाँ पर क्या बनेगा बेटा आपके पास ओ माइनस प्लस एच प्लस एल्कॉक्साइड आय फिन ऑक्साइड आएन अब जरा सोचो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है बेटा ये वाला या ये वाला यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है बेटा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है क्या हो रहा है बच्चों रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है उसका और इसीलिए उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है बात समझ में आ रही है, है? ये देखिए इस तरह से इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है और बेटा इसकी स्टेबिलिटी जोरदार तरीके से बढ़ गई है ठीक है और हमें पता है कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस इसका स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस ड्यू टू रेजोनेंस एंड हेंस वी कैन से दैट कि योर फिनॉल इज मोर एसिडिक मोर एसिडिक इज फिनॉल एज कंपेयर टू एल्कोहल वेरी गुड अमेजिंग सेम रीजन गोज फॉर इफ आई एम आस्किंग यू फिनॉल एंड वाटर, ठीक है बेटा ये आपके पास फिनॉल है एंड वर्सेस वाटर, ठीक है तो इसमें आपके पास ओ एच माइनस कॉन्जुगेट बेस है और यहाँ पर यहाँ पर क्या है फिनॉक्साइड एंड कॉन्जुगेट बेस है दोनों में से इसके अंदर रेजोनेस स्टेबिलाईजेशन है दिस कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल एंड हैंस मोर एसिडिक एंड हैंस मोर एसिडिक तो आई होप आपको एसिडिक कैरेक्टर एकदम क्लियर हो चुका है यहां पर बच्चों ओके बेटा तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे यानी कि एसिडिक कैरेक्टर तो आपने डिस्कस कर लिया बहुत बेहतरीन तरीके से नाउ वी वॉन्ट टू प्रोसीड फर्दर एंड वी आर गोइंग टू चेक अप द सेकेंड रिएक्शन इन दिस सेगमेंट इज ए स्टेरिफिकेशन रिएक्शन ठीक है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बचपन से पढ़ते आ रहे हो आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड ये रिएक्ट करता है आर डैश -OH, यानी कि आपके अल्कोहल से इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर टू गिव यू एस्टर अच्छा अब जो एस्टर फॉर्म होता है बेटा उसमें अल्कोहल क्या देता है और एसिड क्या देता है हम क्या पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड लीवेज किसका एल्कोहल का तो जाहिर सी बात है यहां पर भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ से आपको H मिलेगा और यहाँ से बेटा OH मिलेगा यानी आपका कंपाउंड बन रहा है आर डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ आर डैश प्लस क्लियर है तो यहाँ पर H प्लस इज गिवन बाय एल्कोहल इन एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन ये चीज अच्छे से मार्क आउट कर लो ठीक है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन इज ओवर थर्ड टाइप रिएक्शन इज असाइलेशन रिएक्शन और उसके बाद ये टाइप हमारा ओवर हो जाएगा ठीक है यस यस ओके आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल प्लस ओ एच आर ठीक है बेटा ये अल्कोहल है आपका गेटिंग इट ये आपका अल्कोहल है क्या करोगे सिंपल HCL को रिमूव करो, करते वक्त आप इसका यूज कर सकते हो आर सी ओ सी एल ग्रुप का वॉट यू आर गेटिंग इज आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ आर डैश खत्म ओके ओके बेटा सो नाउ वी कैन फर्दर मूव अहेड ओके रिएक्शन जिस जितने भी थे तीन रिएक्शन थे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज पे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं नाउ वी कैन मूव अहेड विथ सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज दैट इज़ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज में जितनी भी रिएक्शंस हैं वो आपने ऑलरेडी पढ़ पढ़ रखी है पहला बेटा हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन होता है ठीक है हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन होता है यानी एच सी एल एच बी आर ले लो एच आई ले लो ठीक है आपके पास ये है अल्कोहल अल्कोहल को आपने किस से ट्रीट किया बेटा एच सी एल से ट्रीट किया तो क्या बनेगा आर सी एल प्लस एच टू ओ खत्म एंड यू नो दैट इसे कैरी आउट किया जाता है एनहाइड्रज जेड एंड सी एल टू की प्रेजेंस में दिस इज़ नोन एज योर ल्यूकाज रिएजेंट एंड ल्यूकाज रिएजेंट की बात बता दूँ ल्यूकाज टेस्ट की बात बता दो थ्री डिग्री इज़ मोर रिएक्टिव दैन टू डिग्री दैन वन डिग्री थ्री डिग्री एल्कोहल इज़ मोर रिएक्टिव ठीक है थ्री डिग्री एल्कोहल इज़ मोर रिएक्टिव देन टू डिग्री देन वन डिग्री क्योंकि वो क्या देता है इंस्टेंट टर्बिडिटी क्या देता है बेटा इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है जैसे ही आप थ्री डिग्री अल्कोहल को एच सी एल एन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रोज एड एन सी एल टू से ट्रीट करोगे वो इंस्टेंट टर्बिडिटी यानी क्लाउडी फॉर्मेशन देता है उससे पता चल जाता है कि थ्री डिग्री है जो टू डिग्री एल्कोहल होता है बेटा वो टर्बिडिटी देता है टर्बिडिटी देता है आफ्टर फाइव मिनट्स ठीक है तो फाइव या टू मिनट्स लगते हैं और तुरंत टर्बिडिटी आती है तो आप समझ जाते हो थ्री डिग्री अल्कोहल है पाँच मिनट बाद आती है तो टू डिग्री होता है एंड वन डिग्री अल्कोहल नो टर्बिडिटी कोई टर्बिडिटी नहीं दिखाता तो पता चल जाता है कि बहुत लेस रिएक्टिव है यानी कि ये प्राइमरी अल्कोहल है और इस टेस्ट को बोला जाता है बेटा ल्यूकास टेस्ट और रिएजेंट को बोला जाता है ल्यूकाज रिएजेंट एंड हाइड्रोजेड एन सी एल टू प्लस एच सी एल खत्म ओके हेलोजन एसिड के बाद दूसरा हम पी एक्स थ्री या फिर पी एक्स फाइव से ट्रीट करते हैं ये भी आपको अच्छे से पता है अल्कोहल को आपने पी सी एल थ्री से ट्रीट करना है अल्कोहल को आपने पी सी एल फाइव से ट्रीट करना है इसके अंदर क्या बनाएगा बेटा पी ओ सी एल थ्री प्लस आर सी एल है ना और इसके अंदर भी देखो मेजर प्रोडक्ट तो आपका आर सी एल ही होने वाला है गेटिंग इट है ना तो और क्या बाई प्रोडक्ट बनेगा तो इसके अंदर तीन चार हो गए तो एक एच फॉर्म कर लेगा और यहाँ पर क्या बन रहा था बेटा एच थ्री पी ओ थ्री बन रहा था इसके तीन मोल्स थे तो इसके तीन मोल्स जनरेट हो रहे थे पी एक्स थ्री पी एक्स फाइव का डन ओके नाउ थर्ड कैटेगरी वॉज विथ थायोनाइल क्लोराइड जो हमने पढ़ा था करेक्ट ये वाला सेगमेंट तो सबसे आसान है पूरा पढ़ा हुआ है आपका यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज में सिर्फ आपको क्या करना था एसिडिक कैरेक्टर एस्टेरिफिकेशन और असाइलेशन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज में सब कुछ जो आपने प्रिपरेशन में किया है फ्रॉम फ्राम एल्कोहल हैलोअल्केस जो प्रिपेयर किया वही सारे रिएक्शंस हैं तो थायोनाइल क्लोराइड के साथ आर ओ एच प्लस एस ओ सी एल टू आर सी एल प्लस एस ओ टू प्लस एच सी एल दैट इज योर डाजीस रिएक्शन जिसमें जो आपका प्रोडक्ट है बेटा वो फटाफट क्या करता है बहुत दो बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं यू गेट द मेजर प्रोडक्ट इन द मैक्सिमम क्वांटिटी ठीक है ओके तो नाउ इट्स टाइम टू मूव अहेड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज इज ऑल्सो डन नाउ वी कैन मूव टू द थर्ड सेगमेंट दैट इज रिएक्शंस इनवॉल्विंग रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बोथ आर एंड ओ एच ग्रुप्स इसके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा फर्स्ट इज एसिडिक डिहाइड्रेशन करेक्ट इसको हमें मैकेनिज्म के साथ पढ़ना है तो इसका मैकेनिज़्म भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है एंड सेकेंड इज़ योर ऑक्सीडेशन एंड थर्ड इज़ डी हाइड्रोजिनेशन या फिर हम कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन भी इसको कहते हैं ठीक है तो हम इसके अंदर फर्स्ट कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं एसिडिक डीहाइड्रेशन से बेटा एसिडिक डिहाइड्रेशन में आपको क्या करना है ज़रा पे अटेंशन आपके पास अल्कोहल है सी एच एच सी एच एच एन यहाँ पर ओ एच बेटा ठीक है इसको किससे ट्रीट करोगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है एट 443 फोर्टी थ्री कैलविन देखो फोर हंड्रेड फोर्टीन कैलविन पर कुछ और होता है जो मैं ईथर में बताऊँगी ईथर फॉर्म होता है तो यहाँ पर टेम्परेचर याद रखना कंपल्शन है याद रखना ही पड़ेगा इस केस के अंदर आपको ठीक है होगा क्या तो ये अल्कीन फॉर्म करेगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू ठीक है बेटा अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ वाटर वाटर बाहर निकल जा रहा है इस रिएक्शन के अंदर सिंपल ओके okay? अगर मैं यहाँ पर ओ OH एच और यहाँ पर एच लिखती तो इस तरह से वाटर निकल जा रहा है और यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड आ जा रहा है दैट्स ऑल ठीक है अब इसका देख लेते हैं बेटा मैकेनिज्म मैकेनिज्म में यू ऑलरेडी नो व्हाट वी हैव टू डू व्हाट्स द ड्रिल यस बेटा सबसे पहले हम शुरू शुरू करेंगे स्टेप वन इज योर प्रोटोनेशन किसको प्रोटोनेट करोगे यस yes? ये yes, शुक्ला जी बताइए किसको प्रोटोनेट करेंगे बोलेंगे मैम इतनी तो केमिस्ट्री हमें नहीं आती है बट कोई बात नहीं हम सीखते रहेंगे सारे बच्चों को आ जाएगी ध्यान दीजिएगा प्रोटोनेशन बेटा किसका करोगे एक ही तो कंपाउंड है अल्कोहल तो आपने लिया है सी एच थ्री सी एच टू ओ एच एच मुझे बताओ उसको प्रोटोनेट कर क्यों रहे हो ताकि आप एल्कोहल को इलेक्ट्रोफाइल की तरह इस्तेमाल कर सको ठीक है तो हम एल्कोहल को पहले प्रोटोनेट कर रहे हैं इस तरीके से क्या बना सी एच थ्री सी एच टू एंड ओ एच था भाई पहले से ओ एच था तो ओ एच और एच अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ये आपका अल्कोहल था बेटा सी एच थ्री सी एच टू ओ एच ठीक है इसको प्रोटोनेट किया तो क्या बन गया सी एच थ्री सी एच टू ओ एच एच ठीक है सेकेंड स्टेप क्या होगा डियर स्टूडेंट्स क्या लगता है आपको कार्बोकेटाइन जनरेशन कर लें तो सेकेंड इज लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या फिर जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन जनरेशन ऑफ कार्बो क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बेटा बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो यहां पर क्या होगा इस तरह से ये बाहर निकल जाएगा क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच टू विथ पॉजिटिव चार्ज एंड वाटर इज आउट लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए बेटा बताइए लास्ट स्टेप होगा थर्ड स्टेप इज कोर्स डी प्रोटोनेशन क्या बनाना है आपको अल्कीन बनाना है तो आपके पास है यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर हाइड्रोजन है बट उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ठीक है बेटा यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है डीप्रोटोनेशन करोगे यहाँ से प्रोटोन बाहर निकल जाएगा यहाँ पे क्या जनरेट करेगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस एच प्लस ठीक है यानी कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का जो एच प्लस है इनिशियली जितनी क्वांटिटी में आपने यूटिलाइज किया था उतनी ही क्वांटिटी में मैकेनिज्म के थर्ड स्टेप पे रीजनरेट हो गया है यानी ऑल एंड ऑल हम कहते हैं कि कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होता वो सिर्फ स्पीडअप करता है रिएक्शन और वो वही कर रहा है ठीक है एच प्लस प्रोटोनेशन के लिए यूज किया था तो लास्ट स्टेप आपका डी प्रोटोनेशन डेफिनेटली होगा तभी वो एच प्लस बाहर निकलेगा फिनिश ओके दैट्स ग्रेट तो दिस इज ऑल्सो ओवर 443 फोर्टी थ्री के रिएक्शन कैरी आउट करोगे अब इसमें काम का मुद्दा क्या है बेटा आपने रिएक्शन मैकेनिज्म देखी और मैके पता चला कि इसके अंदर क्या जनरेट हो रहा है बेटा कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है तो मेन मुद्दा है कार्बोकेटाइन का कैसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पता है टू डिग्री थ्री डिग्री के हिसाब से थ्री डिग्री इज मोर स्टेबल बेटा तो यहां पर अगर आपको प्रोडक्ट बनाने को कहा जाए तो आप क्या बनाओगे ठीक है यह केस है आपको क्या करना है कॉन्सेंट्रेटेड एच के प्रेजेंस में इसको हीट करना है वट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट किस साइट से आप पहले तो हाइड्रोजन को हाँ, हाँ, निकालोगे तो ओ एच एन एच ओ एच एंड इस साइड पर तो एच है ही नहीं तो ये वाली साइट आपकी बेटा ज़्यादा अलकाइलेटेड है तो जाहिर सी बात है कि ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ है लेट्स गो थ्रू द मैकेनिज्म सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री पहले उसको प्रोटोनेट कर लो ओ OH, एच

वन टू मिथाइल शिफ्ट अगर मिथाइल ग्रुप नहीं होता कहीं पे भी हाइड्रोजन होता ना इन तीनों में से तो हम हाइड्रोजन को शिफ्ट करते बट तीनों मिथाइल ग्रुप है तो हमें मिथाइल शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि हम ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट कर सके तो ये लॉजिक होता है वन टू मिथाइल शिफ्ट वन टू हाइड्राइड शिफ्ट किया जाता है ठीक है ये सी एच थ्री हो गया यहाँ पर अब ये कार्बोकेटाइन बन गया और यहाँ पर सी एच के साथ सी एच थ्री अटैच हो गया और एक सी एच थ्री ऑलरेडी है समझ आ रहा है वन टू मिथाइल शिफ्ट हो गया अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अब आप निकालिए हाइड्रोजन आपके पास दो साइट है बेटा एक ये वाला और एक ये वाला ठीक है दो साइट्स हैं जाहिर सी बात है मैंने आपको पहले ही बताया था कि अकॉर्डिंग टू सेड्स एफ रूल जो ज़्यादा अल्काइलेटेड साइट है वहाँ से आप रिमूव करते हैं या फिर जिसके पास लेस हाइड्रोजन है उस साइट से आप हाइड्रोजन uh, को रिमूव करते तो इस साइड पे इस कार्बन को देखिए अगर ये यहाँ का हाइड्रोजन लेता है तो इसके पास तीन हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है तो ये लेस साइड है तो यहाँ से निकालिए व्हाट यू आर गेटिंग इज सी एच थ्री सी ऊपर सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी एच थ्री बेटा ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा माइनर वाला इधर वाला आएगा बट वो लेस क्वांटिटी में जनरेट होगा तो दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर केस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड नाइसली ठीक है ओके okay? ठीक है तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि आपके पास वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री एल्कोहल है वन डिग्री अल्कोहल है टू डिग्री अल्कोहल है थ्री डिग्री अल्कोहल है कौन बेहतरीन तरीके से बेटा डिहाइड्रेशन दिखाएगा तो आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ध्यान रखते हुए क्या बोलना है थ्री डिग्री अल्कोहल शोज रेडिली ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ठीक है बहुत रेडिली डिहाइड्रेट हो जाएगा क्योंकि यहां पर जो इंटरमीडिएट है वो कार्बोकेटाइन है तो कार्बोकेटाइन थ्री डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है फिनिश ओके अब आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव टू ऑक्सीडेशन ऑफ हियर वी गो सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल करेक्ट अब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करना है देर सेवरल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स विच आर नोन आउट ओवर देयर आई विल राइट देयर नेम ठीक है there, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वी हैव के टू सी आर टू ओ सेवन वी हैव के एम एन ओ फोर वी हैव पी सी सी वी हैव सी आर ओ थ्री ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ऑक्सीडेशन कैरी आउट करते हैं जिसमें से ये दोनों स्ट्रांग हैं बेटा और ये वाले माइल्ड हैं अब इनकी क्या आवश्यकता पड़ती है शॉर्ट में बता रही हूँ मैं ज़्यादा डिटेल में ऐसे बहुत सारे रिएजेंट्स होते हैं लेकिन हमें उतना ही पढ़ना है जितने की ज़रूरत है फाइन ओके सो इफ आई हैव प्राइमरी एल्कोहल ठीक है लेट्स टेक सी एच थ्री सी एच टू ओ एच मैंने कोई भी इसमें अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया बेटा ठीक है एसिडिक या बेसिक मीडियम में कोई भी चलेगा तो इंटरमीडिएट uh, स्टेप आता है अल्डी का सी एच थ्री सी एच ओ लेकिन क्योंकि इतना स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है सी एच थ्री सी ओ एच में यानी सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम के एसिड में मान लीजिए आपको इस रिएक्शन को अल्डीहाइड वाले स्टेप पे ही स्टॉप करना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा बेटा यू नीड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स करेक्ट चलिए देखते हैं सी एच थ्री सी एच टू ओ एच मुझे बीच में ही स्टॉप करना है आई विल गो विथ पी सी सी और आई विल गो विथ सी आर ओ थ्री टू स्टॉप द रिएक्शन एट अल्डी हाइड इट सेल्फ तो प्राइमरी अल्कोहल क्या देता है बच्चों अल्डी हाइड देता है सिंपल खत्म ओके ना लेट्स मूव अहेड इफ यू हैव सेकेंडरी अल्कोहॉल इट इज गोइंग टू गिव यू कीटोन लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल सी एच इस तरह से OH. ठीक है आपने के टू सी आर टू ओ सेवन इन प्रेजेंस ऑफ एच प्लस से ट्रीट किया इट इंटरमीडिएट स्टेप ये जनरेट करेगा ठीक है एंड लास्ट स्टेप में लेकिन वो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम के एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है बेटा तो सी एच थ्री सी ओ ओ एच और यहाँ पर सी एच थ्री है ठीक है ओके लेट मी इरेज दिस वन आई हैव मेड अ मिस्टेक, अरे है ना बेटा आ जाओ वन मिनट वन मिनट हमारा पॉइंट क्या है पॉइंट सिर्फ इतना सा है ठीक है इट इज़ गोइंग टू गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वी नीड टू स्टॉप एट कीटोन है ना हमें यहीं पर स्टॉप करना है तो आई एम गोइंग विथ पी सी सी और सी आर ओ थ्री एनी ऑफ दीज आई गेट सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री खत्म ओके सिंपल अच्छा एक और खास बात है पी सी सी और सी आर ओ थ्री की कि दे डू नॉट अफेक्ट डबल बॉन्ड करेक्ट दे डू नॉट अफेक्ट डबल बॉन्ड अब क्योंकि ये डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करते बेटा तो आपके ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए बहुत ही आसान हो जाता है मान लीजिए सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू ओ OH एच है ये कम्पाउंड है आपके पास वन टू थ्री फोर ठीक है आपको इसका ऑक्सीडेशन करना है माइल्ड ऑक्सीडेशन लेट्स गो विथ पी सी सी इट विल गिव यू सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच अल्टी हाइट दे देगा विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स विदाउट अफेक्टिंग द डबल बॉन्ड तो ये इसकी खासियत होगी याद रखोगे ठीक है डन ओके वेरी गुड वेरी गुड ओके तो प्राइमरी कर लिया सेकेंडरी अल्कोहल कर लिया बेटा थ्री डिग्री अल्कोहल को आप कभी भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते थ्री डिग्री अल्कोहल कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है गेटिंग इट ओके लेकिन अगर फिर भी आपने थ्री डिग्री अल्कोहल का बेटा ऑक्सीडेशन कैरी आउट करना जरूरी समझा तो ये इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री विच एक्ट लाइक अ वेरी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये करता क्या है इट टेंड्स टू फॉर्म बेटा अल्किन ये एलिमिनेशन दिखाता है एंड यू विल बी गेटिंग सी एच थ्री सी कहीं से भी यहाँ से ओ एच और यहाँ से एच निकाल लो तो यू विल बी गेटिंग डबल बॉन्ड सी एच टू और इधर नीचे सी एच थ्री इट फॉर्म्स अल्कीन रादर देन एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है फर्दर आप इसको कैरी आउट करोगे मान लो अगर आपने इसको लेटर ऑन फर्दर आप अदर रिएजेंट से ट्रीट करके यू कैन कन्वर्ट इट इंटू कार्बोक्सिलिक एसिड बट उसके अंदर सेम नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स नहीं रहेंगे तो आपकी एनसीआर टी में सिर्फ यहीं तक दिया है सो डोंट नो नीड टू मूव अ हेड लेट्स गो अ हेड आपका लास्ट स्टेप पर चलते हैं दैट इज योर थर्ड स्टेप बेटा डीहाइड्रोजनेशन जिससे हम कैटालिटिक डीहाइड्रोजनेशन भी कहते हैं देखो ये सारे मेथड्स में ये प्रॉब्लम है ना कि अगर आपने रिएजेंट माइल्ड या स्ट्रॉन्ग प्रॉपरली चूज नहीं किया तो आपका अल्कोहल अल्डीहाइड या कीटोन ना बना के एसिड बना देगा तो बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व है उसके अंदर रॉ मटेरियल का तो हम डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस प्रेफर करते हैं इंडस्ट्रियल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के लिए तो ये है बेटा आर सी एच टू ओ एच करेक्ट है ना मैं इसे किसे हीट करूंगी कॉपर से 573 फाइव पे हीट कर लो क्या करेगा यहां से हाइड्रोजन और यहां से हाइड्रोजन निकाल दो डिहाइड्रोजनेशन क्या बना आर सी डबल और सिंगल बॉन्ड एच इतना आसानी से जनरेट हो गया बेटा ये कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन मेथड इज द बेस्ट वन कॉपर की प्रेजेंस में एल्विन हीट करिए एंड यू विल गेट योर प्रोडक्ट वेरी सिंपली ओके, okay. जैसे हमने प्राइमरी अल्कोहल के लिए किया है इन द सेम वे यू कैन गो अहेड विद द सेकेंडरी अल्कोहल टू है ना इस तरीके से यहां से निकालिए कॉपर एट 573 सेवेंटी कैल्विन यू आर गेटिंग आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश खत्म तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल से, से कीटोन मिला ओके खत्म एनी क्वेरीज ओके okay, बेटा तो ये टॉपिक भी हमारा खत्म होता है नाउ वी कैन हेड टूवर्ड्स केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल है ना सेकेंड लास्ट टॉपिक है फिर तो हमें इधर पर ही जाना है चलिए फटाफट से फिनिश करते हैं बेटा केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल को ठीक है बहुत ही सस्ता एकदम टिकाऊ टॉपिक है जिसे आप आराम से कवर कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल में बेटा हमें पता है कि फिनॉल ये स्ट्रक्चर है और अगर ये H+ प्लस लूज करता है तो ये O- माइनस प्लस एच प्लस जनरेट करेगा एंड दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है फाइन अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो यानी कि इसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है और ये अच्छे एसिड की तरह बिहेव कर सकता है अगर ये एसिडिक है बेटा तो सबसे पहला कैरेक्टर जो हम डिस्कस करेंगे वो है इसका एसिडिक नेचर करेक्ट तो आपका जो फिनॉल है सिंपल लिखूं एसिड कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट करके बेटा क्या जनरेट करता है माय डियर स्टूडेंट सॉल्ट एंड इट रिलीजेज हाइड्रोजन गैस सेम गोज फॉर फिनॉल आल्सो इट रिएक्ट विथ सोडियम मेटल और फिनॉल के अंदर आग लगाता हुआ सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनाता है अलॉन्ग विथ एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस वन मोर रिएक्शन दैट यू आर अवेयर ऑफ इज

थर्ड रिएक्शन पे आ जाते हैं क्योंकि आपका फिनॉल एसिडिक है तो फिनॉल ब्लू लिटमस टू ब्लू लिटमस टू रेड अब एग्जैक्ट रेड नहीं बोल सकते बट पिंकिश तो टर्न करता ही है और इससे प्रूव हो जाता है कि वो एसिडिक इन नेचर है एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट मेजर चीज़ आपको याद रखनी है कि हमने लिखा था एसिडिक कैरेक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट करेक्ट बेटा ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी हैं अब इसी को यूज़ करते हुए अगर मान लीजिए मुझे बेटा फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करना है तो फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर कैन बी इंक्रीज बाय इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पोजीशन चलिए देखते हैं कैसे करेंगे ठीक है तो हमारे पास है ये सिंपल फिनॉल ओ एच अगर मैंने इससे एनओ टू अटैच कर दिया तो मैंने आपको हेलो अल्किस एंड हेलो अरिन्स में भी बताया था बेटा कि अगर एनओ टू ऑर्थो या पैरा पोजिशन पर अटैच होता है तो वो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ा देता है और उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है तो एनओ टू ग्रूप क्या कर रहा है ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको स्टेबिलाईज करने में मैं अपना पूरा जोर देगा अगर ये देखिए इस तरह से O- माइनस जनरेट हुआ तो NO2 ग्रुप कैसा है बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप रिंग में से इलेक्ट्रॉन खींचता है और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑक्सीजन के ऊपर के नेगेटिव चार्ज को वो स्टेबलाइज़ करेगा और इस तरह से कॉन्जुगेट के बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी बेटा इंक्रीज़ हो जाएगा गेटिंग इट सेम चीज़ ऑर्थो पोजिशन पे भी होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा होंगे उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी कॉन्जुगेट बेस की एच प्लस निकलने के बाद और इसीलिए उस स्ट्रक्चर की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंप्रूवमेंट मिल जाती है करेक्ट चलिए तो देखते हैं ऑर्डर देख लेते हैं फटाक से अगर मेरे पास ये केस है बेटा ये रहा आपका ओ एच ठीक है आई एम गोना अटैच एन ओ टू एट पैरापोजिशन इन द सेम वे आई एम गोना अटैच ओ एच एट ऑर्थोपोजिशन एन ओ टू ग्रुप ठीक है इन द सेम वे आई एम गोना अटैच ओ एच एट मेटापो एनओ टू एट मेटापोजिशन एंड लास्ट इज योर फिनॉल ये मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दे दिया एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस अब आप बोलोगे मैम मेटा मेटापोजिशन पर तो एनओ टू फंक्शनल ही नहीं होता है क्योंकि ऐसा हमने पढ़ा है मेटा मेटापोजिशन पर वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेता है लेकिन आपको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है और इंडक्टिव इफेक्ट कितने कार्बन आइटम तक इफेक्टिव होता है बेटा थ्री कार्बन ऐटम तक अगर ओ OH एच से मैं काउंट करूँ तो वन टू है ना अगर ये फर्स्ट है ये सेकेंड है और ये थर्ड है तो थर्ड कार्बन आइटम तक ग्रुप कम से कम एक इफ़ेक्ट दिखा पा रहा है और वो है माइनस आई इफेक्ट और इसी वजह से वो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर पा रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है फाइन तो ये भी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिक मेटा वाला हुआ और मेटा के कंपैरिजन में आपका आ, एसिडिकॉट दिस कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है ना बेटा हैश टैग ओपी ढेर सारे चाहिए मुझे चैट सेक्शन में ठीक है और कैसे इंक्रीज कर सकते हो इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैस ओ एच विथ थ्री एन ओ टू ग्रुप अटैच एट थ्री डिफरेंट पोजिशन और द सेकेंड केस आल गो अड ओ एच यहां पर एन ओ टू एंड यहां पर एन एनओ टू क्लियर एनी डाउट्स कोई कंफ्यूजन नहीं है लास्ट वाला तो आपको अच्छे से पता है कि ये क्या होगा फिनॉल ही होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ में बेटा कभी मिस्टेक मत करना इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप ऑलवेज इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल सिंपल ओके नाउ बेटा लेट्स कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन यहाँ पर तो हमने फिनॉल uh, का एसिडिक स्ट्रेंथ डिस्कस किया जो सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल करेक्ट बेटा ये आईडीज़ ऐसे नहीं दिए हैं काम की है ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं कुछ डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या एफबी पे कनेक्ट हो सकते हो ठीक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन चलिए ध्यान से समझते हैं ये जो आपका फिनॉल है ना ये कैसा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप यानी ये लगातार इलेक्ट्रॉन को रिंग के अंदर भेज रहा है एंड ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है करेक्ट तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी बेटा यहाँ पर ज़्यादा होगी और यहाँ पर ज़्यादा होगी अब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वहाँ कौन आएगा गरीब आएंगे गरीब कौन है बेटा इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट होते हैं तो भाई हम ये कह सकते हैं कि आपका फिनॉल इलेक्ट्रोफाइल के लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है करेक्ट उनको ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे ये भेजेगा सिंपल इजी है ना गॉट दिस वन इसके अंदर सबसे पहले हम करेंगे हैलोजिनेशन हैलोजिनेशन में भी बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ब्रोमिनेशन अब ब्रोमिनेशन में दो कॉन्सेप्ट हैं ठीक है ब्रोमिनेशन में यूजुअली ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है क्या बनता है बेटा ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट लेट्स सी फॉर एग्जांपल दिस इज योर फेनॉल अगर आप इसे ब्रोमीन से ट्रीट कर रहे हो ब्रोमीन वाटर से ट्रीट कर रहे हो विच इज़ अ पोलार सॉल्वेंट तो पोलार सॉल्वेंट की प्रेजेंस में बेटा ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है ओ OH. एच यहाँ पर बी आर यहाँ पर बी आर और यहाँ पर बी आर जिसे बोलोगे टू कॉमा फोर कॉमा सिक्स ट्राइब्रोमोफिन और इसके वाइट प्रेसिपिटेट्स आते हैं कैसे प्रेसिपिटेट्स आते हैं वाइट पी पी टी एंड दैट्स वाई इट इज़ अ स्पेसिफिक टेस्ट यूज टू टेल कि भाई कंपाउंड कौन सा है फिनॉल फिनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ वाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करता है अगेन यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है बेटा कि अगर मुझे मोनो मोनोसब्सटीट्यूटेड ब्रोमीन चाहिए यानी सिर्फ एक ही लोकेशन पे अटैच्ड ब्रोमीन चाहिए तो व्हाट आई एम गोना डू सिंपल अगर आपको मोनो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट चाहिए तो यू नीड टू यूज़ अ नॉन पोलर सॉल्वेंट फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइसल्फाइड का इस्तेमाल करिए पोलर सॉल्वेंट लेंगे बेटा तो रिंग ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है और हर जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ब्रोमीन अपने सारे लोकेशंस को ऑक्यूपाई कर लेता है तो हम उसकी रिंग एक्टिवेटिंग टेंडेंसी को थोड़ा स्लो डाउन कर देते हैं बाय यूज ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड इट विल गिव यू ओनली और या फिर पैरा प्रोडक्ट ऑफ ब्रोमीन सिंपल इजी गॉट दिस वन वेरी क्लियर ओके फाइन मेजर प्रोडक्ट आपका हमेशा पैरा वाला ही होता है आई होप यू अंडरस्टैंड आप बोलोगे मैम कार्बन डाइसल्फाइड की जगह कोई और भी सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हो कोई भी नॉन पोलार सॉल्वेंट बेटा सी सी एल फोर कार्बन टेट्रा क्लोराइड विल ऑल्सो वर्क ओवर हियर ओके ठीक है तो ये चीज हो गई हमारी ब्रोमिनेशन के बारे में अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक सेकेंड इज यस सेकेंड इज बेटा नाइट्रेशन कर लेते हैं नाइट्रेशन में भी वही इशू है क्या इशू है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट वाला स्टार्टिंग मटेरियल है आपका फिनॉल बेटा आप इसे किससे ट्रीट कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड एच के तीन मोल से जैसे ही ट्रीट करोगे एन ओ टू प्लस ग्रुप ऑर्थो एन पैरा पोजिशन पर फटाफट जाके अटैच हो जाना है तो ये आपको ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा गेटिंग इट है ना इसे क्या बोलते हैं टू कॉमा फोर कामा सिक्स ट्राई नाइट्रोफिनोल इट इज ऑल्सो नोन एज पिकरिक एसिड येलो कलर के क्रिस्टल्स होते हैं इसके नीडल शेप्ड फाइन अब हमें इसमें भी मोनो मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोइंग टू यूज डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड सॉरी डाइल्यूट एच एन ओ थ्री एल आई ट्रीट इट विद डाइल्यूट एच एन ओ थ्री बेटा स्टेप बाई स्टेप आप ये प्रोसेस देख सकते हैं तो कुछ प्रोडक्ट ऑर्थो पोजीशन पे जनरेट होंगे और कुछ प्रोडक्ट्स आपके पैरा पोजिशन पे जनरेट होंगे एंड दिस विल बी योर कंसीडर्ड एस मेजर प्रोडक्ट खत्म सिंपल इजी अच्छा अब ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिन है और ये जो पैरा नाइट्रोफिन है बेटा इन दोनों को सेपरेट कैसे किया जाता है nitrophenol इट para एंड How हाउ दे आर separated? सेपरेटेड लेट मी टेल यू nitrophenol है बेटा ये क्या दिखाता है Intramolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग I'll शो यू हाउ ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन करेक्ट अब देखो यहां पर N है डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन क्या दिखा रहा है बेटा ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये किस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा इंट्रा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है अगर दोनों को कंपेयर करें तो इसके अंदर इंटर होगा इसके अंदर इंट्रा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा एंड लेट मी टेल यू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्लाइटली वीकर देन इंटर मॉलिक्युलर ठीक है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज़ कम्पेयर टू जो विद इन द सेम मॉलिक्यूल है तो क्योंकि ये बॉन्ड लिटिल बिट वीक होता है इसीलिए इसे तोड़ना आसान होता है और इसीलिए हम कहेंगे कि औरथो नाइट्रोफिन आपका स्टीम वॉलेटाइल होगा स्टीम वॉलेटाइल होगा और फट से हीट करने पे बेटा ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और ये थोड़ा देर से होता है तो आप इजीली दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हो खत्म ठीक है ये कॉन्सेप्ट भी आपका ओवर हो चुका है नाउ आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द मेजर सेगमेंट्स सो नाइट्रेशन इज डन ब्रोमिनेशन इज डन यस तो नेक्स्ट रिएक्शन जो हम करने वाले ये दोनों ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हैं दो ही टाइप थे जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में वी कैन मूव अहेड टू टू स्पेशल नेम रिएक्शंस वन ऑफ देम इज माई पर्सनल फेवरेट दैट इज रीमर टीमन रिएक्शन रीमर टीमन रिएक्शन बेटा बहुत ही आसान इसके लिए मैंने आपको बता रखा है रटती नहीं प्रियंका चोपड़ा साल भर करेक्ट चलिए देखते हैं रटती यानी रीमन टीमन रीमन टीमन नहीं यानी रिएक्शन एन ए ओ एच की प्रेजेंस में है प्रियंका यानी कि स्टार्टिंग मटेरियल आपका फिनॉल है चोपड़ा यानी कि सी एच सी एल थ्री क्लोरोफॉम की भी ज़रूरत है ठीक है अब एक इंटरमीडिएट बनाएंगे हम और फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा साल लिखा यानी सैली बनेगा सो वॉट इज सैली थ सी एच ओ ग्रूप गेटिंग इट ठीक है अब इन बिटवीन क्या होगा वो चीजें मैं आपको बता देती हूँ और अब आपको वो चीज़ ध्यान कैसे रखनी है सब कुछ रटना नहीं होता बेटा तो वो हम जरा देख लेते हैं यहाँ पर ओ एन ए और यहाँ पर सी एच सी एल थ्री आता है ठीक है सी एच सॉरी सी एच सी एल टू आता है चलो इसका ना मैं छोटा शॉर्ट में मैकेनिज्म बताऊंगी क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट रिएक्शन इज बीइंग कैरीड आउट इन प्रेजेंस प्रसल थ्री एंड बेस ठीक है बेटा बेस का काम हमेशा क्या होता है वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है कौन सा प्रोटॉन सबसे एसिडिक प्रोटॉन क्लोरोफॉर्म का सबसे एसिडिक प्रोटॉन कौन सा होगा बेटा एक ही तो है ठीक है इस पर इसकी नज़र इसलिए भी है क्योंकि Uh, कायदे से क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये इसको साथ में ले जाएगा क्या बना रहा है सी सी एल थ्री यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आया ठीक है सी सी एल थ्री विथ दिस नेगेटिव चार्ज बिकॉज हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए हैं लेटर ऑन वॉट वी आर गोइंग टू जनरेट अब आपको लगेगा कि रिमर टीमन के अंदर जो इंटरमीडिएट है वो एक कार्ब एन आयन है बट यू आर रॉन्ग ये स्पीशीज स्टेबल नहीं है इट इज़ गोइंग टू गेट स्टेबलाइज टू अ मोर स्पेशल कंडीशन सी सी टू अलॉन्ग विद लोन पेयर आफ्टर लूजिंग वन क्लोरिन आयन एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कार्बीन और ये है इसका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन कार्ब नहीं, बेटा कार्बीन होता है रीमर टीमन रिएक्शन का इंटरमीडिएट सी सी एल टू वन इट इज जनरेटेड नाउ द नेक्स्ट स्टेप यू ऑलरेडी नो ठीक है फिनॉल था उसने एच प्लस लूज किया है यहाँ पर ओ माइनस है और आपके पास है सी सी एल टू विद लोन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन करेक्ट अच्छा अब आपको अच्छे से पता है कि सी सी एल टू इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीशीज़ है अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीशीज़ है तो बेटा क्या करेगा मैं इस स्ट्रक्चर को वापस लिख दूँ वेट आई वुड नीड इरेजर ताकि डबल बॉन्ड इजीली हम शिफ्ट कर सके है ना ला 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 ला, आ बेटा भाई द रीज़न वाई आई डोंट यूज़ इरेजर इट टेक्स कंज्यूम लॉट्स ऑफ टाइम ओके आई विल मेक इट लाइक लाइक दिस फाइन नाउ इट इज करेक्ट अब देखिए तो सी सी एल टू को इलेक्ट्रॉन देने का आ, काम कौन कर सकता है जाहिर सी बात है जो आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है वही करेगा तो आ जाइए ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ ये वाला इसके पास गया व्हाट यू आर गोइंग टू गेट यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ है यहाँ पर सी सी एल टू है और बेटा यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है ठीक है हाइड्रोजन तो नहीं भी बनाओगे तो भी वहाँ पर एग्जिस्ट करता ही है और वो क्या करेगा देखो ये जो बेंजीन रिंग है ये जो बेंजीन रिंग है बेटा वो हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि उसके पास तीन पाई बॉन्ड है और वो एरोमेटिक है इसीलिए वो अपनी स्टेबिलिटी को रिस्टोर करने के लिए इस हाइड्रो ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और इस तरह से अब ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगा बेटा तो इस कार्बन के पास अभी आ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं तो वो उसके साथ अटैच हो जाएगा तो ये कार्बन इसको लिया हाइड्रोजन इसको लिया देखो क्या बन रहा है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ओ माइनस यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया ये सी के साथ एच एंड सी एल एंड सी एल गेटिंग इट तो सी एच सी एल टू एंड क्योंकि बेस से ट्रीट कर रहे हो तो यहाँ पर ओ एन ए तो ये रहा आपका इंटरमीडिएट जो इस स्टेप में जनरेट हुआ है नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ आपने दो मोल एन से ट्रीट किया होगा ना बेटा तो इसमें क्या हुआ यहाँ पर ओ एन था एंड सी एच था दोनों सी एल टू ओ एच से रिप्लेस हो गए और फिर आपको पता है सेम कार्बन आइटम पे दो ओ एच OH ग्रुप रहेंगे तो हमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना पड़ता है नाउ सी वॉट इज फॉर्मिंग इट इज़ अल्डीहाइट मैंने इस चैप्टर के बिगनिंग में ही बताया था कि कार्बन के ऊपर दो एच ग्रुप इज हाइली अनस्टेबल एंड इट टेंस टू डिहाइड्रेट रिमूव वाटर एंड फॉर्म डिहाइड्रेट ग्रुप तो ये हो गया आपका रीमर टीमन की कहानी बड़ी ही आसान तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं लेट्स टॉक अबाउट कोलबे रिएक्शन आई थिंक दैट वॉज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन दैट इज सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड कोलबे रिएक्शन बेटा वहां पर अगर सैली सैल्डिहाइड बना है तो यहां पर सैलिसिलिक एसिड बनेगा यहां पर स्टार्टिंग मटेरियल आपका क्या होगा बेटा फिनॉल ही होगा कोलवे लिखा है पहला स्टेप आपको अच्छे से पता है फिनॉल के साथ कोई भी रिएक्शन करने के लिए हमें पहले एन का इस्तेमाल तो करना ही पड़ता है कंपलसरी है जब तक उसको फिनॉक्साइड में कन्वर्ट नहीं करोगे सोडियम फिनॉक्साइड में तब तक आगे रिएक्शन होती ही नहीं है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कोलबे के अंदर ओ है बेटा यानी जाहिर सी बात है हमें किसका इस्तेमाल करना है CO2 टू का ठीक है CO2 टू का इस्तेमाल किया आपने तो क्या होगा जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर ओ OH एच और यहाँ पे COONA, COO ओ एन ए ठीक है COO ओ ग्रुप आ गया नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे एच प्लस से ट्रीट करोगे काम खत्म पैसा हजम ये बन गया आपका सैली सैल्डी हाइड सॉरी सौ, सैली सिलिक एसिड सैलिसिलिक एसिड क्या बन गया बेटा सैलिसिलिक एसिड सैलिसिलिक एसिड का कॉमन नेम आपको पता है लेकिन आपको उसका आई यू पी एस सी नेम भी पता होना चाहिए फर्स्ट पोजिशन या सेकेंड पोजिशन आप इसे क्या लिखोगे टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज योर एकदम फटाक से दिमाग में क्लिक होना चाहिए जैसे ही टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड देखो सैली सिलिक एसिड ही ध्यान में आना चाहिए अब सैलिक सिलिक एसिड के एप्लीकेशन देख लेते हैं आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे चले टन 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 है ना ये रहा आपका सैलिसिलिक एसिड ओ OH एच है एंड सी ओ एच है बेटा तीन एप्लीकेशन बताऊंगी जो आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से दिए हैं अगर मैं इसका एसिटाइलेसन करती हूँ क्या करना है बेटा हमें इसका एसिटाइजेशन करना है यानी सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री इसको कई जगह पे कंप्रेस करके पता है कैसे लिखा जाता है सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री सी ओ ओ ओ ट्वाइस ओ ठीक है ऐसे लिखा जाता है समझ रहे हो ठीक है इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा एसिटाइलेशन और ये है आपका इथेनोइक एनहाइड्राइड क्या नाम है इसका इथेनोइक एनहाइड्राइड ओके फाइन करता क्या है जरा सोचो इथेनॉइक एनहाइड्राइड यानी ये जो एनहाइड्राइड कंडीशन है या एस्टर है ये सब एसिड फैमिली का हिस्सा है अगर ये एसिड फैमिली का हिस्सा है तो ये एसिड फंक्शनल ग्रुप से तो रिएक्ट करेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है ये अल्कोहल से रिएक्ट करेंगे अल्कोहल से रिएक्ट करेंगे तो बॉन्ड यहाँ से तो टूटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज करिए तो ओ है सी ओ एच एज इट इज रहेगा इसको कहीं से भी तोड़िए यहाँ से तोड़ा आपने हैं ठीक है बेटा कहाँ से तोड़ोगे नालाय को सी एच थ्री सी डबल बॉन्डो सिंगल बॉन्डो ओ सी डबल बॉन्डो कुछ गड़बड़ कर दी मैंने स्ट्रक्चर बनाने में वेट हाँ बेटा थोड़ी सी गड़बड़ दिखाई दे रही है वही तो मैं सोचूं ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को कैसे तोड़ूंगी इस स्ट्रक्चर में छोटी सी गड़बड़ है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री ये है आपका इथेनॉइक एनहाइड्राइड ये ऑक्सीजन वाला सेगमेंट थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इसको कंप्रेस करके लिखोगे सी एच थ्री सी ओ होल्ड टू आइस ओ ठीक है चलो गुड अच्छा अब आप क्या करोगे तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड के बीच में बॉन्ड पोलैरिटी जनरेट होती है क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव बॉन्ड को तोड़ो आप बोलोगे मैम हम यहाँ से तोड़ेंगे इट्स ओके okay, कोई दिक्कत नहीं है ऑक्सीजन हाइड्रोजन को यहाँ से तोड़ा तो ऑक्सीजन नेगेटिव है नेगेटिव के पास पॉजिटिव साइड जाएगी तो ये सी ओ जाएगा सी ओ जाएगा बेटा और इसका जो नेगेटिव वाला सेगमेंट बचा है वो है सी एच थ्री और यहाँ का एच तो ये बन गया आपके प्रोडक्ट समझ रहे हो और ये क्या है बेटा आपका एस्पिरिन है डिस्प्रिन के नाम से मार्केट में एस्पिरिन आपको अवेलेबल होगा और ये किसकी तरह यूज़ किया जाता है एनाल्जेसिक पेन किलर्स की तरह यूज़ किया जाता है बेटा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है लेकिन अगेन बैंड है क्योंकि इसके सेवरल ड्रॉबैक्स हैं अच्छा इसका आई नेम क्या होगा तो ये तो बेंजोइक एसिड हो गया फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे बेटा कौन सा ग्रुप है एसीटॉक्सी एसीटॉक्सी एसिड, खत्म टू एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड ठीक है तो आपने क्या किया ज़रा ध्यान से देखिएगा आपने सैलिसिलिक एसिड का सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन किया सी एच थ्री सी ओ ट्वाइस ओ के साथ इट हैज़ गिवन यू ओ सी ओ सी एच थ्री सी ओ ओ ओ ओ ओ एच प्लस सी एच थ्री सी ओ ओ ओ ओ ओ एच एंड दिस इज योर एस्परिन एन आज से खत्म सिंपल इजी पीजी लेम्स पीजी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा लेट्स मूव टू वन मोर एप्लीकेशन दैट इज रिलेटेड टू आ सकता है इनकेस इफ यू आर नॉट अवेयर चलिए देखते हैं तो सीओ ओ ओ एच है मैं इसे ट्रीट कर रही हूँ सी सिक्स के साथ तो रिएक्ट करना नहीं वाला तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा एसिडिक ग्रुप के साथ एसिडिक ग्रुप के साथ, साथ रिएक्ट करेगा तो आपको पता है अल्कोहल एसिड क्या बनाता है एस्टर बनाते हैं तो सी ओ ओ सी सिक्स एच फाइव हो जाएगा ठीक है अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल खत्म अब यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना है बेटा फिनॉल ये क्या है सेलॉल कहा जाता है इसको और सेलॉल कैसा कंपाउंड है सेलॉल कैसा कंपाउंड है ये एक इंटेस्टिनल एंटीसेप्टिक है क्या है इंटेस्टिनल एंटीसेप्टिक मेडिसिन है आपके स्टमक के लिए यूज किया जाता है सेलल सेलॉल ऐसे बेटा अगर फिनॉल को इस्तेमाल ना करके अगर आप सी एच थ्री ओ एच का इस्तेमाल करते हैं तब भी आपका प्रोडक्ट जो जनरेट होगा ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन ये क्या है ये भी एस्टर कंटेनिंग कंपाउंड है मिथाइल सैलिसलेट ये क्या है बेटा ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन अगेन एक एप्लीकेशन सैलिसलडी हाई सैलिसलिक एसिड से जनरेट हुआ हुआ और ये किसके लिए यूज होता है परफ्यूम पर्पज़ के लिए इट हैज़ अ गुड स्मेल ओके सो आई होप हमने कुछ मेजर रिएक्शन कवर कर लिया अब इक्का दुक्का और बच गया है वो भी कर लेते हैं एक और चीज़ बताना रह गया था लेट मी टेल यू ये जो हमने रिमन टीमन रिएक्शन देखा ना बेटा यहाँ पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड यूज़ किया है अगर मैं इसकी जगह सी सी एल फोर का इस्तेमाल करूँ एक और चीज़ बता ही देती हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना हो यहीं पर लिख देती हूँ जो आपका रीमर टीमर रिएक्शन था ना उसका मैकेनिज्म जिस तरीके से बताया है अगर उसी तरीके से आप प्रोसीड करते हो उसको फर्दर तो वॉट यू कैन डू दिस इज़ योर फिनॉल आपने उसे एन एच इन प्रेजेंस ऑफ सी सी एल फोर यूज़ किया ना कि सी एच सी एल थ्री तो ये सैली सिलिक एसिड ही देगा समझ रहे हो और यही एन ए ओ एच प्लस सी एच सी एल थ्री है तो ये सैली सैलरी हाइड देगा डिपेंडिंग अपॉन द मैकेनिज्म समझ गए ओके okay. तो इससे भी बना सकते हो कोलबे रिएक्शन से भी सैली एसिड बना सकते हो सिंपल एन और कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट करके कार्बन डाइऑक्साइड कैसे याद रखोगे कोलबे का ओ तो सी ओ टू का ओ खत्म ओके रिएजेंट्स आपको याद रखने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी नेक्स्ट रिएक्शन इज अगर मैं फिनॉल को जिंक डस्ट से ट्रीट करती हूँ बेटा किससे ट्रीट करूँगी ये रहा आपका फिनॉल फिनॉल को अगर मैं जिंक डस्ट से ट्रीट करती हूँ यस, yes, फिनॉल को अगर मैं जिंक डस्ट से ट्रीट करती हूँ सिंपल डिस्टिलेशन कैरी आउट करते हैं वी आर गेटिंग बेंजीन प्लस जैड खत्म तो ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हो गया अब आई थिंक थ्री तो ये फोर्थ रिएक्शन होगा फिफ्थ अगर मैं फिनॉल का ऑक्सीडेशन करती हूँ बेटा तो क्या होगा तो ये रहा आपका फिनॉल अगर मैं इसे के टू सी आर टू ओ सेवन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कैरी आउट करती हूँ इस तरह से ये ऑरेंज क्रिस्टल्स फॉर्म कर लेगा ठीक है बेटा और इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं बेंजोक्विनोन करेक्ट बेंजो हम्म hmm. तो ये हो गई फिनॉल्स की सारी रिएक्शंस और इसी के साथ हमने अल्कोहल फिनॉल विद देयर प्रिपरेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ अल्कोहल एंड फिनॉल ख़त्म कर दिया है बेटा इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टू आवर्स फाइन वी आर लेफ्ट विथ ओनली ईथर्स ईथर्स भी एक्चुअली बहुत ही बेहतरीन और ईजी टॉपिक है जिसे हम कायदे से ट्वेंटी मिनट्स में फिनिश कर लेंगे so let's head on towards ethers तो so, बेटा ethers कौन से compounds हैं देखिए R O R group they are considered to be ethers ठीक है simple अगर आपके पास alcohol है and आपने alcohol में से water को remove कर दिया है दो मोल ऑफ अल्कोहल में से वाटर रिमूव कर दिया है तो आपको क्या मिलता है बच्चों ईथर मिलता है ठीक है अच्छा जब आप ईथर की बात करते हैं सो वी हैव टू अल्काइल ग्रुप्स सो वी नीड टू गो अकॉर्डिंग टू इट्स क्लासिफिकेशन छोटू सा क्लासिफिकेशन है ज़रा फट से समझ लीजिए क्लासिफिकेशन में आ जाओगे तो पहला केस आएगा सिंपल ईथर और दूसरी साइड आएगा बेटा मिक्स्ड ईथर्स ठीक है सिंपल ईथर में जब आपका आर एंड आर डैश ग्रुप्स आर सेम फॉर एग्जांपल सी एच थ्री ओ सी एच थ्री मिक्सड ईथर आर एंड आर डैश ग्रुप आर नॉट सेम जैसे कि सी एच थ्री ओ सी टू एच फाइव खत्म यही है सिंपल एंड मिक्सड ईथर सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स खत्म अच्छा क्लासिफिकेशन हो गया तो लेट्स कम टू इट्स नोमेनक्लेचर जब आप नोमन क्लेचर की बात करते हो तो अल्काइल ईथर्स उसका कॉमन नेम में लिया जाता है नाम कॉमन नेम बेटा और अगर आप आई में जाते हैं तो अल्कोक्सी अल्केन के फॉर्म में इसका नाम लिखा जाता है वेर अल्केन इज़ योर पेरेंट लॉन्गर चेन एनअल्कॉक्सी स्मॉलर ग्रुप होगा आपका ठीक है चलिए एग्जाम्पल है. लेते हैं इफ आई हैव सी एच थ्री ओ सी एच थ्री तो कॉमन नेम हो जाएगा इसका बेटा डाई मिथाइल ईथर लेकिन आई यू पी एस सी क्या होगा मिथॉक्सी मीथेन क्या बोलोगे बेटा इसको मिथॉक्सी मीथेन सिंपल ओके ओ आर ग्रुप इज अल्कोक्सी ग्रुप ओके चलिए आइए और एग्जांपल्स देखते हैं हाँ जी सो इफ आई एम टेकिंग सी एच थ्री ओ सी टू एच फाइव तो ये लॉन्ग चेन पेरेंट चेन हो गया और ये ग्रुप आपका एल्काक्सी हो गया एल्काक्सी है तो आप इसको बोलोगे मिथॉक्सी and this is इथेन मिथॉक्सी इथेन और वैसे क्या बोलोगे तो मिथाइल इथाइल ईथर अल्फाबेटिक ऑर्डर में जाओगे तो इथाइल मिथाइल ईथर ये उसका कॉमन नेम हो गया बेटा समझ रहे हो सिंपल था इजी था कोई टेंशन नहीं है ऐसे ही सी सिक्स एच फाइव ओ सी सिक्स एच फाइव इसको क्या बोलोगे हाँ डाइफेनाइल ईथर इसका कॉमन नेम हो गया डाइफेनाइल ईथर इसका कॉमन नेम हो गया बेटा आई यू पी एस सी में इसको क्या बोलोगे हाँ आई यू पी एस सी में इसको क्या बोलोगे अलकॉक्सी सो फिनॉक्सी फिनॉक्सी बेंजीन करेक्ट ओके अब इसमें भी कुछ कॉमन एग्जांपल्स बता देती हूँ अगर बेंजीन रिंग के साथ ओ सी एच थ्री हो तो इसे हम कहते हैं बेटा एनीसोल क्या कहते हैं एनीसोल कहते हैं वैसे नाम क्या हो सकता है इसका मिथाइल फिनाइल ईथर मिथाइल फिनाइल ईथर अगर आप आई में जाते हो तो आप इसे एनिसोल भी कह सकते हो या फिर आप बोल सकते हो इसे मिथॉक्सी बेंजीन, करेक्ट क्या बोल सकते हो बेटा मिथॉक्सी बेंजीन ख़त्म ओके वेरी गुड इन द सेम वे यू अगर मैं ओ की जगह ओ कर लूँ ओ तो इसे कहा जाता है फैनिटोल और um, आई में आप इसे बोल सकते हो इथॉक्सी बेंजीन पैनिटॉल इज ऑल्सो अलाउड ठीक है और अगर आप जाते हो कॉमन नेम में तो आप इसे बोलोगे इथाइल फिनाइल ईथर ये इसका कॉमन नेम हो गया सिंपल था इजी था एक केस कर लेते हैं तो C2H5O मैं बता देती हूँ आपको नंबरिंग कैसे करनी है ताकि आपको आइडिया लग जाए C है सी एच थ्री है सी एच थ्री है सी एच थ्री है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बेटा ये रहा आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेकेंड पोजिशन पे एल्कोक्सी की ब्रांचिंग दिखाई दे रही है ये अल्कॉक्सी ग्रुप इथॉक्सी है बेटा तो आप इसे लिखोगे टू इथॉक्सी टू मिथाइल प्रोपेन क्लियर है टू इथॉक्सी टू मिथाइल प्रोपेन वेरी सिंपल इजी था ऐसे ही अगर मेरे पास सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री एंड सी एच थ्री इस तरह का केस है तो आप इसे क्या बोलोगे ठीक है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेकेंड एंड थर्ड पोजिशन टू कॉमा थ्री डाई मिथॉक्सी ब्यूटेन समझ गए तो ओ आर ग्रुप इज ऑलवेज योर एल्कॉक्सी ग्रुप ओके बेटा हाँ चलो अभी आगे बढ़ लेते हैं जिंदगी सवार नाउ लेट्स कम टू प्रेपरेशन ऑफ ईथर प्रेपरेशन ऑफ ईथर में बेटा कायदे से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो मेथड्स हमें फोकस करने हैं and that is that is <coughs> dehydration of alcohol जो मैंने बोला था कि alcohol के dehydration से ether बनता है water molecule remove कर दो अगर दो molecule के बीच में से तो और दूसरा है बेटा Williamson synthesis again an important name reaction correct beta sabse pehle start karte hain first one that is dehydration च ग्रू एकदम आसान है ज़रा ध्यान से देखिएगा ठीक है बेटा तो एल्कोहल का जब आप ट्रीटमेंट करते हो कॉन्सनट्रेटेड सल्फ यूरिक एसिड से सो वी हैव टू ऑप्शन विच कैन बी जनरेटेड एज अ प्रोडक्ट बेटा ये चीज़ ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टॉपिक में क्योंकि टेम्परेचर ध्यान नहीं रहा तो आप गए काम से 443 फोर्टी हमने पहले किया है और उसमें हमने क्या जनरेट किया था बेटा अल्किन जनरेट किया था अगर यही चीज़ 413 हंड्रेड पे कैरी आउट की जाए तो आर ओ आर जनरेट होगा क्या जनरेट होगा बेटा आर ओ आर ग्रुप यहाँ पर अच्छा आप बोलोगे मैम ये कहाँ से ला रहे हो ये कर लो सी एच थ्री सी एच टू ओ एच है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 फोर्टी थ्री के इट फॉर्म्स दिस कंपाउंड फोर हंड्रेड थर्टीन के पर यह क्या दे रहा है ईथर चलिए समझते हैं समझते हैं बेटा क्या समझना है इसके अंदर ज़रा ध्यान से सुनिएगा तो अगर आप हाई टेम्परेचर या फिर टू डिग्री या थ्री डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो ये प्रेफर करते हैं बेटा एस एन वन रिएक्शन या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन ठीक है और उसमें से भी एस एन वन और एलिमिनेशन में से एलिमिनेशन ज़्यादा डोमिनेट करता है और वो एलिमिनेशन प्रोडक्ट दे देता है तो हाई टेम्परेचर टू डिग्री या थ्री डिग्री एल्कोहल हाई टेम्परेचर पे इट अंडर गोज आइदर एस एन वन और एलिमिनेशन इट विल कॉम्पीट एलिमिनेशन विल कॉम्पीट एंड विल विन एंड इट विल गिव यू द एलिमिनेशन प्रोडक्ट इफ़ यू हैव लो टेम्परेचर एंड वन डिग्री एल्कोहल दैट मीन्स लेस हिंडर्ड है तो वो क्या करेगा इट विल अंडर गो एसन टू मैकेनिज्म ठीक है एंड एसन टू मैकेनिज्म में अकॉर्डिंगली इट विल जनरेट द प्रोडक्ट चलिए देखते हैं कैसे तो फर्स्ट स्टेप है प्रोटोनेशन सी एच थ्री सी एच टू एच OH, प्लस से ट्रीट किया प्रोटोनेट किया क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच टू ओ एच एच एंड होगा बेटा अच्छा ये next slide पे करते हैं हाँ जी सेकेंड स्टेप में क्या होगा अब क्योंकि ये एस एन टू मैकेनिज्म है तो यहां पर अटैक ऑफ़ न्यूक्लियो फाइल फ्रॉम बैक साइड है ना अनन्या पांडे बैक साइड से अटैक करती थी इतना तो याद है ठीक है तो एक अल्कोहल को हम न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज़ कर लेंगे और दूसरे अल्कोहल को हम इलेक्ट्रोफाइल की तरह यूज़ कर लेंगे ये जो फर्स्ट स्टेप में हमने जनरेट किया ये वाला इलेक्ट्रो हो गया और दूसरा मोल न्यूक्लियो हो गया ठीक है ये वाला जो ऑक्सीजन है बेटा इट इज़ गोइंग टू अटैक फ्रॉम बैक साइड ऑन दिस कार्बन यानी कार्तिक आर्यन पर अटैक किया बेटा जैसे ही कार्तिक आर्यन पर अटैक किया भूमि पेड़ने कर धीरे धीरे ट्रांजिशन स्टेट के बाद बाहर निकल गई सो वॉट वी आर जनरेटिंग हेयर इज सी एच थ्री सी एच टू ओ उसका एच नीचे लिख दिया है ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए देगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आई होप वो इस क्लियर यस यस आवाज आ रही है वेरी गुड ओके नो प्रॉब्लम लेट्स कंटिन्यू बेटा है ना ओके सो सी एच थ्री सी एच टू ओ एच हाँ और क्या आया यहाँ से सी एच टू एंड सी एच थ्री यहाँ से वाटर बाहर निकल गया तो जाहिर सी बात है हमने रिएक्शन के बिगनिंग में H प्लस का इस्तेमाल किया था तो अब वो थर्ड स्टेप में बाहर निकलेगा तो थर्ड स्टेप इज योर डी प्रोटोनेशन एंड वॉट यू आर गेटिंग इज सी एच थ्री सी एच टू ओ एच पॉजिटिव सी एच टू सी एच थ्री ये इलेक्ट्रॉन देगा और इधर आपका फाइनली ईथर फॉर्म हो जाएगा क्लियर है तो अगर आपके पास वन डिग्री अल्कोहल है टेम्परेचर लो है और लेस हिंडर्ड प्राइमरी अल्कोहल है तो वो एस इन टू मैकेनिज्म दिखा के डिहाइड्रेशन करके ईथर बनाएगा अदरवाइज इट विल अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन बेटा याद रखना ठीक है ओके चलिए नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट सेकेंड टाइप पे हम मूव करेंगे यहाँ पे कई सारे बच्चों की गलतियां होती हैं वाले सेक्शन में और इसमें से क्वेश्चन आता ही है सिंथेसिस पे आ जाते हैं ठीक है विलियमसन सिंथेसिस के अंदर आप क्या करते हो अल्काइल हेलाइड लेते हो बेटा ठीक है किसी भी अल्काइल हेलाइड को आपको सोडियम एल्कोक्साइड से ट्रीट करना है रोना सोडियम एल्कोक्साइड क्या होगा रोना आर ओ एन ए दिस इज योर सोडियम एल्कोक्साइड करेक्ट रोना से ट्रीट करो क्या होगा बॉन्ड ब्रेक करना आता है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पार्शियल नेगेटिव ये पॉजिटिव ये बॉन्ड यहाँ से टूटा ये बॉन्ड यहाँ से टूटा आर ओ आर प्लस एन ए एक्स दिस इज योर विलियमसन सिंथेसिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन लेकिन इसमें भी क्या ध्यान रखना है आपको वो सुनिए है ना ध्यान रखना है आपको इसका मैकेनिज्म ठीक है विलियमसन सिंथेसिस बेटा एस एन टू मैकेनिज्म फॉलो करता है अगर ये एस एन टू मैकेनिज्म फॉलो करता है तो हमेशा याद रखिए कि जो आपका अल्काइल हेलाइड है वो आपको प्राइमरी लेना है और सोडियम अल्कोक्साइड आप कैसा भी ले सकती हैं ठीक है सोडियम अल्कॉक्साइड विल एक्ट लाइक अ न्यूक्लियोफाइल एस एन टू रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल होता है और एक मेन रिएजेंट होता है तो ये रिएक्टिंग स्पीशीज़ आपका प्राइमरी होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव सी एच थ्री बी आर लाइक दिस एंड ओके वेट आई मेक इट हियर सी एच थ्री बी आर है ठीक है और आपका ये एल्कोक्साइड एन ए देन सी सी एच थ्री सी एच थ्री ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और कोई फर्क नहीं पड़ता न्यूक्फाइल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए दैट इज़ वॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट ये जब अटैक करेगा तो इसकी अल्काइल हेलाइड की साइट लेस इंडर्ड होनी चाहिए क्योंकि ये एस एन टू मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है बेटा तो ये नेगेटिव वाला ये इस पर टुडुंग अटैक करेगा और बी आर बाहर निकलेगा और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री ओ सी एच थ्री करेक्ट लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैम ये कंपाउंड बनाने के लिए अगर मैं अल्काइल हेलाइट टर्शरी ले लूं, यू अगर मैं अल्काइल हेलाइट टर्शरी ले लूं, ये सी एच थ्री ओ एन ए और अल्काइल हेलाइट टर्शरी ले, ले लेता हूं तो भी तो प्रोडक्ट बन जाएगा है ना आपको ऐसा लग रहा होगा बट बेटा जब ये थ्री डिग्री होगा तो इट इज़ गोइंग टू अंडर गो दर एस एन वन और एलिमिनेशन जैसा पहले केस में बताया था एंड वी नो दैट एस एन वन और एलिमिनेशन में एलिमिनेशन विल डोमिनेट और ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट दे देगा और फिर क्या होगा यहाँ से एच और यहाँ से बी आर निकल जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग सी एच थ्री सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच टू ये वाला इधर लिख दिया है ठीक है गेटिंग इट तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिल जाएगा अगर आपने हेलाइट को चेंज किया तो, ओके अगेन वन मोर क्वेश्चन जो आपके एनसीआरटी का है आई वुड लव टू आंसर दैट। ठीक है बेटा अगर मुझे टर्ट ब्यूटाइल क्या बनाना मुझे टर्ट ब्यूटाइल इथाइल इथर ये बनाना है ठीक है तो मुझे किसका इस्तेमाल करना चाहिए मुझे सी टू एच फाइव ओ एन ए प्लस लेट सी टर्ड ब्यूटाइल कंडीशन इसका इस्तेमाल करूं या फिर का इस्तेमाल करूं कौन सा करना चाहिए हमें अल्काइल हेलाइट प्राइमरी रखना है दिस मेथड इज यूज़फुल दिस विल गिव यू द डिजायर्ड प्रोडक्ट ऊपर वाला क्या देगा बेटा एलिमिनेशन प्रोडक्ट ऊपर वाले का एलिमिनेशन प्रोडक्ट होगा क्लियर तो दिस इज मोर प्रेफर्ड वन गॉट दिस वन क्लियरली चलो बहुत ही बेहतरीन आप आगे बढ़ सकते हैं वी कैन मूव अहेड है ना एक और चीज़ बता देती हूँ ये जो आपका फिनॉल है बेटा फिनॉल को अगर आप एन से ट्रीट करोगे तो आपको पता है कि ये सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है ये तो सबको पता है तो ये आर रो ओ एन ए रोना बन गया आपका रोना को अगर आप अल्काइल हेलाइट से ट्रीट करते हैं तो ये तो एक तरह का विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन ही हो गया बॉन्ड यहाँ से टूटा यहाँ से टूटा और आप क्या बना रहे हैं ईथर ओ आर प्लस एन ए एक्स खत्म तो ये रिएक्शन भी अगेन इम्पॉर्टेंट है नाउ वी कैन मूव अहेड विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर ओके चलिए बेटा नेक्स्ट आ जाते हैं आ आपके ईथर्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज पे है ना ऑलमोस्ट चैप्टर इज अबाउट टू ओवर तो ईथर की आप बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सिंपल अगर मैं कंपेयर करूँ ईथर एंड अल्कोहल को तो ईथर की सॉलिबिलिटी पानी में अल्कोहल के कंपेयर में कम होती है क्योंकि ईथर शोज़ लोअर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लोअर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज कम्पेयर टू अल्कोहल आपके एन सी आर टी में दो स्टेटमेंट दिए हैं कि ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाता है और फिर एक जगह पर लिखा है कि ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है बेटा दिखाता है बट टू द लेस एक्सटेंट क्योंकि दोनों साइड से वो हिंडर्ड रहता है तो वॉटर का अप्रोच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जैसे एल्कोहल के केस में ईजी होता है उतना ईजी इस केस में नहीं होता है तो बस यही है मेजरली इस सेगमेंट के अंदर नाव वॉट वी कैन डू इज कैमिकल प्रॉपर्टीज आ जाइए कैमिकल प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बेटा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज करेंगे सबसे पहले रिएक्शन विथ हेलोजन एसिड्स के साथ है ना तो एच हो गया एच हो गया या फिर एच के साथ रिएक्शन करके देखते हैं आर ओ आर का ये है आपके पास आर ओ आर आपने इसे ट्रीट किया एच के साथ आर आई ठीक है आर आई प्लस आर ओ एच फॉर्म हुआ कोई दिक्कत नहीं है ये यह यहाँ से टूटा ये यह यहाँ से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव पेयर्स एक्सचेंज के काम एक खत्म ठीक है आपको आर डैश प्लस विथ हाँ ऐसा कर देते हैं तो ये तो ईजी है बेटा लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल ईथर हुआ तो इन दैट क्लेस क्लीवेज डिपेंड्स On size of alkyl group, correct? Alkyl group की साइज़ क्या है उस पर डिपेंड करेगा फॉर एग्जाम्पल मैं दोनों केसेस बताती हूँ यस uh, yes. जरा ध्यान से सुनिएगा इफ़ आई हैव सी एच थ्री करेक्ट बेटा यहाँ पर ये कंडीशन भी प्राइमरी है और ये कंडीशन भी प्राइमरी है इसको सेकेंडरी कर दूँ क्या तो सी एच टू सी एच थ्री एक मिनट आई मेक इट जस्ट वन मिनट बेटा आपको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन करने के लिए मेरे लिए ज़रूरी है करना आ जाओ टिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका हाँ तो ये C, ये C और ये सी एच थ्री ठीक है इस तरह का के केस है तो ये सेकेंडरी हो गया और ये प्राइमरी हो गया ओके अलॉन्ग इस साइड प्राइमरी एंड इस साइड सेकेंडरी है ठीक है हमेशा याद रखिए इस तरह का ईथर जब एच आई के साथ रिएक्ट करता है तो आई हमेशा स्मॉल ग्रुप के साथ जाना प्रेफर करता है छोटे ग्रुप के साथ जाना प्रेफर करता है दैट मीन्स इट टेंड्स टू फॉलो एस टू मैकेनिज्म जब वन डिग्री या टू डिग्री है तो वो छोटे वाले ग्रुप के साथ जाना प्रेफर करेगा और वो बॉन्ड फिर यहाँ से टूटेगा और सी एच थ्री आई बनाएगा और ये अल्कोहल बना लेगा सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच थ्री ठीक है लेकिन अगर मान लीजिए दोनों साइड पे सेकेंडरी है तो सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री ओ सी एच टू सी एच थ्री इसमें भी जो लेस हिंडर्ड साइट होगी वहाँ पे जाएगा एस एन टू मैकेनिज़म के हिसाब से तो लेस हिंडर्ड साइट ये है तो सी एच थ्री सी एच टू आई प्लस सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री ओ एच ये प्रोडक्ट बनेगा ये दोनों केसेस सबको समझ में आ गए अच्छा अब थर्ड केस पे आगे बढ़ते हैं दोनों प्राइमरी या सेकेंडरी बताए थे मैंने अब अगर मान लो एक सेकेंडरी या प्राइमरी है या टर्शरी या प्राइमरी है उस केस में क्या करोगे देखो C, सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री ओ और फिर इधर सी एच थ्री है अब ये एच आई के साथ रिएक्ट करेगा तो अगर थ्री डिग्री का ऑप्शन है बेटा तो इट टेंड्स टू फॉलो एस एन वन मैकेनिज्म और I अगर थ्री डिग्री है तो उस केस में बड़े वाले ग्रुप के साथ जाना प्रेफर करेगा क्लियर है बच्चों एकदम क्लियर होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट अगर मैंने सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री एच लिया है ये साइड सेकेंडरी ये साइड टर्सरी सेकेंडरी टर्सरी में भी इट इज गोइंग टू फॉलो एस एन वन मैकेजम ठीक है छोटा तो सबसे छोटा और बड़ा लेने जाओगे तो एस एन वन ही फॉलो करेगा तो सबसे बड़ा ठीक है क्लियर खत्म ओके आई होप आई मेड इट वेरी 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 अंडरस्टैंडेबली क्लियर और आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए दैट क्लैरिटी आई हैव मेड इन योर हेड आई होप सो ठीक है अच्छा अब कुछ सर्टेन एग्जांपल्स कि अगर अगर मान लीजिए अब आप बोलोगे मैम हमें एनीसोल को रिएक्ट कराना है एच के साथ उसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा उफ, उफ, ये जीवन हमारा पॉइंटर सेलेक्ट करने में ही जीवन चला जाएगा ठीक है ये देखो अगर आपके पास एनीसोल है और आप उसे एच से ट्रीट कर रहे हो क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा? ज़ाहिर है, बॉन्ड यहां से तो तोड़ नहीं पाओगे क्योंकि पार्शियल डबल कैरेक्टर होगा, तो टूटेगा से। सिंपल, इजी। बेटा नाउ आई एम सो हैप्पी वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ हर चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक्सिट्यूशन रिएक्शन आ जाइए इलेक्ट्रोफिलिक सब्सि ऑफ ईथर जो आपका अल्कॉक्सी ग्रुप है बेटा ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है कैसा है रिंग एक्टिवेटिंग रूप और ऑर्थो और पैरापोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है गेटिंग इट क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरापोजिशन पर बेटा साफ साफ दिख रहा है कि ये बढ़ा रहा है ठीक है चलो नेक्स्ट इस तरीके से अगर ये ऑर्थो एंड और पैरा पैरापोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है तो आप क्या करेंगे तो आप इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो एंड और पैरा पैरापोजिशन पे भेजेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ये ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा इसके अंदर सबसे पहले हम करेंगे हालुजिनेशन. तो सबसे पहले कर लो हैलोजनेशन और हेलोजिनेशन के अंदर भी हम करेंगे ब्रोमिनेशन ठीक है ब्रोमिनेशन में देखिए ये रहा आपका एनिसोल आपने इसे ट्रीट किया Br2 टू से वैसे ब्रोमीन बी आर बी आर एक नॉन पोलर स्पीशीज़ है लेकिन उसमें पोलारिटी जनरेट करने के लिए हम इसे एफ ई बी आर थ्री से ट्रीट करते थे लेकिन क्योंकि ओ सी एच थ्री बेटा इतना स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है कि ये खुद ही बी आर टू के अंदर बॉन्ड पोलैरिटी जनरेट कर देता है और अगर वो बी आर टू के अंदर बॉन्ड पोलारिटी जनरेट कर देगा तो आपको बी आर प्लस जनरेट करने में प्रॉब्लम नहीं लगेगी और फट से आपको पैरा मेजर प्रोडक्ट्स एंड माइनर प्रोडक्ट्स जनरेट हो जाएंगे ठीक है सिंपल ब्रोमिनेशन भी क्लियर है यूजुअली बी आर टू इन प्रेजेंस ऑफ एफ ए बी आर थ्री किया जाता है बट यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है अब आ जाते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस पे बेटा आ जाओ चैप्टर लंबा था ना आप लोगों को मैंने बोला ही था तीन फंक्शनल ग्रुप पर बेटा तो टाइम तो लगना ही है ठीक है तो फ्रीडल क्राफ्ट में पहला अल्काइलेशन करेंगे ये तो आपको एकदम रटा गया होगा कि ये है ओ सी एच थ्री इसको मैंने सी एच थ्री सी एल इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 ए एल सी एल थ्री से ट्रीट किया अल्काइलेशन है यानी अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा ऑर्थो पे और आपका पैरा पे खत्म सिंपल ऐसे ही बी कर लीजिए बेटा असाइलेशन ये है आपका ओ सी एच थ्री इसको मैंने ट्रीट किया सी एच थ्री सी ओ सी एल इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ए एल सी एल थ्री इट इज़ गोइंग टू गिव यू ओ सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री प्लस ओ सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री खत्म ओके वाह लास्ट कर लेते हैं बेटा नाइट्रेशन हाँ जी लास्ट वी आर गोइंग टू डू इज नाइट्रेशन जिसमें NO2+ प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा तो ये हो गया आपका ओ सी एच थ्री कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर इन प्रेजेंस ऑफ एच एन ओ थ्री वॉट यू आर गेटिंग इज ओ सी एच थ्री एन ओ टू मजा आई बेटा तो इसी के साथ वॉट वी हैव डन इज वी हैव सक्सेसफुली फिनिश एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर फाइनली सो आई होप योर पीपल आर सुपर सुपर हैप्पी कि आपने ये सिक्स डेज चैलेंज में सिक्स चैप्टर्स लगातार कंप्लीट कर लिए हैं आई होप आप लोगों ने लगातार के होंगे मेरे तो दो तीन दिन का गैप पड़ गया था एंड स्टिल वी हैव मैनेज टू फिनिश इट ऑफ वॉट नेक्स्ट बेटा वॉट नेक्स्ट के लिए एक और वीडियो बनाएंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब हम ढेर सारे सैम्पल पेपर्स और एम सी क्यू सॉल्व करें क्योंकि थियोरी तो इतने बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को हमने अपने दिमाग के अंदर बिल्डअप कर लिया है ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा जब भी आप पढ़ने बैठे वीडियो को टू टाइम्स या थ्री टाइम्स फॉरवर्ड फास्ट फॉरवर्ड करके नोट्स के साथ पढ़िएगा ट्रस्ट मी आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी क्लैरिटी के साथ मैंने हर एक रिएक्शन आपको एक्सप्लेन किया है कुछ भी नहीं छोड़ा है मैच करना तो मैच करके देख लीजिए सो so, टेलीग्राम पे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है गो एंड बी द पार्ट ऑफ इट राइट नाउ एंड कोर्स अगर आपको ये सेवन डेज चैलेंज सीरीज एक्सट्रीमली सूदिंग एंड एकदम ऑन पॉइंट लगे तो मेक श्योर sure कि आप इसे मैक्सिमम शेयर करें ताकि हर उस बच्चे तक पहुँचे और लाइक करना ना भूले ताकि यूट्यूब भी इसे सजेस्ट करें उन बच्चों को जिनको शॉर्ट में बिना टाइम वेस्ट किए क्योंकि यू नो यू पीपल आर लिटरली सर्चिंग ऑनवाइटी कि भाई ये पढ़ू यहाँ से पढ़ूँ वहाँ से पढ़ूँ वहाँ से पढ़ूँ बहुत पढ़ू, पढ़ू, सारा टाइम तो इसी में वेस्ट हो जाता है तो आइदर यू कैन सजेस्ट टू योर फ्रेंड्स और यूट्यूब कैन सजेस्ट टू अदर स्टूडेंट्स आर सर्चिंग द सेम टॉपिक सो मेक श्योर की लाइक करें क्योंकि आप लाइक like करेंगे तो ये सजेशन में ज़्यादा जाएगा सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द 7 डेज चैलेंज इट वॉज एक्सट्रीमली इन अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी टू टू गो अड विद दिस अब एम के लिए तैयार हो आग लगाने के लिए तैयार हो पहले सी बी एस ई का सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेंगे बेटा और सी बी एस ई का सैम्पल पेपर सॉल्व करने के बाद कुछ ओसवाल के सैम्पल पेपर्स भी करेंगे सो स्टे यून ऑन दिस योर ओन प्लेटफॉर्म दैट इज़ केमिस्ट्री बाय सलोनी सिंह एंड मेक श्योर कि हमें सौ में से सौ सौ में से सौ लाने हैं कहने का मतलब टर्म वन एंड टर्म टू सो आई एम लुकिंग इट एज एन लॉन्ग टर्म अटैचमेंट विथ यू ताकि हम एंड में जो रिज़ल्ट लेकर आए वो फुल मार्क्स हो तो अभी तो 35 पर फोकस कर रहे हो और अच्छे से कायदे से मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल के इंटरनल मार्क्स टीचर्स अच्छे ही देंगे क्योंकि उन्हें भी स्कूल के रिजल्ट्स की पड़ी होती है ठीक है तो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहे हैं एटलीस्ट इस टर्म के टर्म टू में आपको अपना फुल हंड्रेड परसेंट देना ही होगा टर्म वन में आपको एम सी क्यू के पेपर में अपना हंड्रेड परसेंट देना होगा और आई uh, थिंक uh, जिस तरह से जेई का uh, पेपर कंडक्ट किया जाता है अगर उस तरीके से आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हुई तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कुछ भी अपडेट मिलता है आपको यहाँ से आपकी मैम हर चीज़ के लिए गाइड करेंगे कब क्या करना है कैसे करना है कैसे पढ़ना है लास्ट सेवन डेज की भी मैं आपको स्ट्रैटी दूंगी सैम्पल पेपर्स वी विल मेक अवेलेबल फॉर यू जितने मेरे पास हैं वो तो मैं आपके साथ शेयर कर ही सकती हूँ फॉर श्योर सो मेक श्योर मैक्सिमम शेयर करिए आपका प्लेटफॉर्म है बेटा इसे बड़ा बनाते हैं इससे एक रिवोल्यूशन uh, बनाते हैं और रिवोल्यूशन इन वॉट सेंस टर्म वन प्रिपरेशन करना है तो कहाँ से कर रहे हो तो केमिस्ट्री बाय सलूनी सिंह वहीं से केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सबकी यहाँ पर परफेक्ट प्रिपरेशन होगी दैट्स माई गारंटी सो ऑन दैट पॉजिटिव नोट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई डे स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल देन टेक केयर लव यू ऑल सी यू